चिराग ओसवाल स्टूडियो से लाइव। सिंधसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आपका स्वागत है। भारतीय बाजार के लिए बहुत शानदार फ्राइडे इस समय और मोमेंटम फर्मली बुल्स के साथ करेंगे इन सब पर बातचीत, लेकिन पहले हेडलाइंस। बाजार में बुल्स की दमदार वापसी, दूसरे दिन भी तेजी की बहार, 22,100 के करीब पहुंचा निफ्टी। बैंक निफ्टी में 200 पॉइंट्स की बढ़त, मिड कैप और स्मॉल कैप्स कर रहे हैं आउट परफॉर्म। एक्सेंचर के कमजोर गाइडेंस से बिगड़ा आईटी कंपनियों का मूड, दिन के लो से 550 पॉइंट सुधरने के बाद भी 2% कमजोर है निफ्टी आईटी। HCL Tech, Emphasis, Persistent जैसे स्टॉक्स 3-4% टूटे। वहीं दिग्गजों में TCS, Infosys, LTTS में भी बिकवाली हावी। तूफानी रफ्तार में ऑटो शेयर, 2% भागा निफ्टी ऑटो इंडेक्स। मारुति भी नए शिखर पर, बजाज ऑटो, हीरो मोटर और आयशर में 2-3% की डाली। और रियल्टी में अच्छी रौनक, इस हफ्ते करीब 5% उछला रियल एस्टेट इंडेक्स। NCR में जमीन खरीदने के चलते प्रेस्टीज 5% ऊपर। वहीं फार्मा स्टॉक्स में भी तगड़ा एक्शन, लगातार दूसरे दिन उछला निफ्टी फार्मा इंडेक्स। CLSA के अपग्रेड के बाद एम्बर एंटरप्राइजेस 4% उछला। 4300 के टारगेट के साथ CLSA ने दिए खरीदारी की सलाह, कहा हाल की गिरावट से वैल्यूएशन हुए अट्रैक्टिव। ओके, फ्राइडे आफ्टरनून और मार्केट्स में इस समय अच्छा फ्राइडे और एक होली से पहले एक अच्छी ग्रीनरी इस समय, खासतौर से निफ्टी, मिड कैप और बैंक निफ्टी में। इनफैक्ट शानदार वापसी आज बुल्स की। सुबह एक बार के तो लगा था कि मामला थोड़ा ख़राब हो रहा है निफ्टी में, और एक बार ने हमने 21,900 भी तोड़ा था, लेकिन उसके बाद जो कमबैक किया मार्केट ने और अब 200 पॉइंट से ज़्यादा की रिकवरी लोवेस्ट पॉइंट से। और ऑटो और बैंक्स, इन दो इंडस्ट्रीज ने बेसिकली आईटी की जो वीकनेस है उसको पूरा कॉम्पनसेट किया है। ऑटो करीब करीब 2% ऊपर है, बैंक निफ्टी भी रिलेटिव आउट परफॉर्मर है, उसने भी काफ़ी हेल्प की है। अच्छा, आईटी भी लोअर लेवल से रिकवर हुआ है, ऐसा नहीं कि आईटी ख़राब है, मतलब उतना ख़राब है जितना सुबह था। सुबह 3.5% नीचे था, अब 2% नीचे। और एडवांस डिक्लाइन देखिए एक बार, आज का एडवांस डिक्लाइन फिर स्ट्रॉन्ग, मतलब लोगों को कॉन्फिडेंस आ रहा है वापस अपने छोटे और मिड कैप स्टॉक्स लेने में, ये एक अच्छी चीज है। हर्षिता, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज, गुड आफ्टरनून वीरू। अनुज, आपने एक चीज कही कि होली से पहले अच्छा हरा रंग, मुझे याद है जब हम बचपन में होली खेलते थे तो हरे रंग से सबसे ज्यादा डर लगता था, लेकिन एज एन अडल्ट और अगर आप मार्केट के इन्वेस्टर हो उससे सबसे ज्यादा लगाव होता है और वही देखने के लिए हमेशा मन तरसते रहता है। बिल्कुल हर्षिता, खैर वो उस समय कलर्स खराब होते थे, वो हरा कलर में पता नहीं क्या हो सकता था। मुझे तो बहुत डेंजरस लगता था, वो लग जाए तो उतरने का नाम ही ना लो। और जो अलग आपकी स्किन का टोन बन जाए वो बात अलग ही होती थी। अभी तो खैर हर्बल कलर आते हैं, बाकी रेड कलर में एक ईंट का पाउडर पता नहीं क्या क्या डाल देते थे लोग। खैर, लेकिन आज तक एक चीज मैं कहूंगा कि आज का जो मार्केट है ना, अगर आप एक बुल हैं तो आपको मार्केट ने एक बहुत शानदार चीज दी है कि मार्केट ने उस लेवल को वापस टेस्ट किया 21,900 को। आज हमारी सुबह अप्रोच थी कि 21,900 के स्टॉप के साथ, अब 883 को आप भले ही कह लें कि स्टॉप हिट हो गया, लेकिन 21,900 के आसपास के स्टॉप के साथ इस मार्केट में लॉन्ग रही है और वो अप्रोच काम कर रही है। पहली रेजिस्टेंस के हम काफ़ी करीब हैं, अब 22,100 पर है वो पहली रेजिस्टेंस निफ्टी पर, और बड़ी रेजिस्टेंस उसके बाद आएगी 22,150 से 22,200। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा लंबे लेवल्स की बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये लेवल्स निकालने में भी दिक्कत आएगी। उसका रीज़न ये है कि इस लेवल से इतना बड़ा ब्रेकडाउन था कि लोग अभी भी थोड़े से डरे हुए सहमे से हुए से होंगे। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा मार्केट का कॉन्फिडेंस वापस आने में, और मैं अभी भी ये कह रहा हूँ कि अभी भी मार्केट में रिस्क है कि ये सिर्फ एक सकर्स रैली है और लार्जर ट्रेंड अभी भी हो सकता है डाउन हो और मार्केट का वो डाउन ट्रेंड रिज्यूम हो जाए, ये रिस्क भी रहने वाला है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर आप 22,200 के ऊपर बंद होना शुरू हो जाएंगे, दो तीन दिन 22,200 के ऊपर अगर बंद होने शुरू हो गए तो फिर हम वापस ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ेंगे एटलीस्ट निफ्टी पर, और 21,900 के स्टॉप के साथ आप लॉन्ग कर सकते हैं। आज का सबसे अच्छा एग्जांपल है निफ्टी आईटी, मतलब शुरुआत कहाँ हुई और अब हम कहाँ पर हैं। ऑब्वियसली ग्रीन में नहीं आया है, लेकिन एटलीस्ट रिकवरी आ गई है, नहीं कि वन वे बस पूरा गिरता ही चला गया। तो ये अच्छी चीज़ थी, 34,700 का लो था तो 500 पॉइंट तो निफ्टी आईटी भी रिकवर कर चुका है, ऐसा नहीं है कि एकदम खराब है। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, एक बड़ा रेजिस्टेंस है 46,800 टू 47,000, सारे मूविंग एवरेजेस का क्लस्टर यहीं पर है, उससे थोड़ा नीचे बेसिकली।
47,000 के ऊपर अगर आप निकल गए तो मुझे लग रहा है कि एक बड़ा ब्रेकआउट आएगा बैंक निफ्टी में। ऑब्वियसली आपको HDFC बैंक पर भी ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन आज का ट्रेडिंग सेशन बहुत अच्छा है, बस क्लोज हो जाए ऐसा। यहाँ पे भी क्लोज हो गई ना, मैं कहूंगा बहुत शानदार क्लोज है। लेकिन ये जो मिड कैप्स में पुल बैक आ रहा है, इंडेक्स में तो आसानी से निफ्टी और निफ्टी बैंक अगर संभल जाए तो कॉन्फिडेंस आ जाता है, लेकिन जो हम पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से बात करते आए हैं कि इंडेक्स बहुत पीछे चला गया है आपके मिड कैप के इन्वेस्टमेंट्स, यहाँ पर किन लेवल्स, कितनी रिकवरी, कितने पुल बैक के बाद थोड़ा सा यू नो शांति मिलेगी या फिर कॉन्फिडेंस लौटेगा? देखिए मिड कैप में मैंने जो आज सुबह भी एक चीज़ कही थी कि वो जो वन वे सेलिंग थी ना वो खत्म हो गई है, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा आप किस तरीके के स्टॉक्स ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की दो दिन से बात की है, ये एक स्पेस है जहाँ पर आप फोकस कर सकते हैं, जहाँ पर बहुत गिरावट आ गई थी, अर्निंग स्ट्रांग है, टेम्परेरी डाउन टिक है। या फिर अगर आप बात करेंगे कुछ और सेलेक्ट PSUs की, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब रिकमेंडेशन नहीं है लेकिन REC PFC जैसे दो दिन से ये थोड़े से स्टॉक्स भाग रहे हैं आज तक, इन पर आप फोकस कर सकते हैं। तो अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स जो या तो सिर्फ मार्केट ख़राब थी इसलिए गिर गया लेकिन अर्निंग्स मोमेंटम स्ट्रांग है, या फिर रिलेटिव स्ट्रेंथ थी, जो तीन कैटेगरी हमने बताई थी उन पर फोकस करके आप वो बाय कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, वो स्मॉल कैप लेने में जल्दी ना करें, और वो स्पेशली कि स्मॉल कैप और SME स्टॉक्स तो बिल्कुल ना लें इस समय भी, वहाँ अभी भी बहुत बड़ा रिस्क है। लेकिन वो जो एक वन वे सेलिंग होती है ना कि बस रोज सुबह उठो, दोपहर तक एडवांस डिक्लाइन खराब, दोपहर तक एडवांस डिक्लाइन -6, जो भी शेयर आपका वो खराब है, वो फेज़ खत्म हो चुका है, उसमें मुझे अब कोई डाउट नहीं कि वो फेज़ ओवर हो चुका है। वो जो इनडिस्क्रिमिनेट वो जो फ्रॉड था ना, फ्रॉड निकल गया। अब बाकी खैर थोड़ा फ्रॉड तो मार्केट में हमेशा रहता है। रमेश धमानी जी ने एक चीज़ बोली थी कि हर मार्केट में हर समय कोई ना कोई चीज़ बबल में होती है, वो तो रहेगा हमेशा, लेकिन ओवरऑल जो बबल था मार्केट में वो निकला क्लियरली। चलिए तो वो एक अच्छा संकेत, और आज क्लोजिंग के लिए ऑफ कोर्स कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ क्योंकि हर टिक के साथ हम वो 22,100 की तरफ बढ़ रहे हैं और आज का हाई निफ्टी पर 22,118 ही है। वीरो गुड आफ्टरनून, किन स्टॉक्स पर एक्शन दिख रहा है? हर्षदा गुड आफ्टरनून, अनुज गुड आफ्टरनून। काफ़ी देर से 22,100 की ट्रेजेक्टरी में निफ्टी टाइम स्पेंड करता हुआ हर्षदा, मेरे स्क्रीन पे तीन स्टॉक्स हैं, मैं तीनों दिग्गजों पे बात करूंगा और जो स्टैट्स ऑप्शंस के, फ्यूचर्स के, रोलओवर्स के हैं वो इम्प्रेस करते हुए, और ये दो स्टॉक्स इसमें से इंडस्ट्रीज को मदद करेंगे। पहला बहुत ही अव्वल दर्जे का ब्रेकआउट, दैट्स L&T लीडर, 3620 पे हर्षदा, इवन 3600 इन द मनी और स्लाइटली आउट ऑफ मनी 3660 तक की कॉल में, या ऐसा बिल्डअप है कि पूछिए मत। L&T 3620 पे स्पॉट में ट्रेड करता हुआ, ह्यूज ऑप्शन बिल्डअप, ह्यूज, और डेरिवेटिव्स में अगर आप फ्यूचर्स में देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिल्डअप है करंट मंथ में और नेक्स्ट मंथ में भी। पहला स्टॉक दिग्गजों में इट्स L&T 3622 पे ट्रेड करता हुआ, स्पेशली 12:30-1 के बीच में इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेच आया है, तो मेरी पहली बैट होगी L&T, नॉट ए बाय कॉल बट इट्स एनालिसिस। दूसरा है टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स एज से बाहर निकलता हुआ, 7 मार्च से लेकर अब तक एक अनवाइंडिंग मोड में रहा, 50 रेमा की जोन को टेस्ट किया और आज फाइनली आई थिंक मिड सेशन में, आई मीन 12:00 के आसपास इसने फाइनली 20 रेमा के ऊपर राइड करना शुरू कर दिया। मार्च फ्यूचर्स में OI घटा, अप्रैल में बढ़ रहा है आपकी स्क्रीन पे, और रोलओवर्स यहाँ पे करीब करीब 27% हो चुके हैं और एक्टिविटीज में यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और तीसरा मैं कहूँगा हर्षदा HAL 2% ऊपर, इसकी चार्ट्स पे प्लेसमेंट वैसी ही है जैसी टाटा मोटर्स की थी, और ये भी 50 डेमा पे रेस्ट लेके आया था, वहाँ से पुल बैक लिया, एक अच्छा डिफरेंशियल इसने 20 डेमा से भी क्रिएट कर लिया, 30% रोल ओवर हैं। ये तीन स्टॉक हर्षदा दिग्गजों पर रहूँगा, बट आउट ऑफ दिस थ्री आई थिंक इंडेक्स के मददगार इस वक्त मेरे को L&T बहुत स्ट्रांगली नजर आता हुआ हर्षदा। जी मजबूत कड़ी इस मार्केट की। चलिए आपके लिए पेश कर देते हैं वो ट्रेंडिंग काउंटर्स, कहाँ पर तेजी, कहाँ पर मंदी बड़े पैमाने पर होती हुई दिखाई दे रही है। तो तेजी का रुख मार्केट ने अपनाया है और सुबह से ही, इनफैक्ट कल परसों से ही हम केमिकल स्टॉक्स की बात कर रहे थे, आज उसमें UPL का नाम शामिल है। तेजी वाले ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। अब UPL, मारुति, हीरो मोटोकॉप, ये कुछ स्टॉक्स है जहाँ पर हमने देखा एक अच्छी खासी खरीदारी का रुझान बनता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा बजाज ऑटो, तो ऑटो साइड पर आप देखिएगा बहुत तगड़ी रफ्तार से स्टॉक्स दौड़ रहे हैं। कुछ और तेजी में वोडाफोन जैसे काउंटर्स आपको दिखाई देंगे, इंडस टावर में एक अच्छा मूव है, लॉरस लैब और टाटा केमिकल्स में भी हम देख रहे हैं एक पुल बैक ट्रेड बनता हुआ, कंसिडरिंग पिछले हफ्ते
पूरे टाटा ग्रुप कंपनियों में अच्छी खासी बिकवाली बनती दिखाई दी थी। मंदी की तरफ आए तो एक तरफा बिकवाली का दबाव आईटी काउंटर्स में एक्सेंचर के खराब गाइडेंस के बाद या फिर गाइडेंस कट के बाद, और साथ ही साथ हमने देखा है एनएमडीसी, ट्रेंट, इंडियन होटल्स, ये दूसरे काउंटर्स हैं जहां पर बिकवाली की पोजीशंस बनी है, लेकिन इतने गहरे क्रैक नहीं है बारिंग आपके आईटी स्टॉक्स जहां पर हमने देखा एक अच्छा खासा दबाव देखने को मिला। चलिए हमारे जानकारों को अब जोड़ना शुरू करते हैं। फंडामेंटल्स के लिए आज हम बात करेंगे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के पंकज पांडे से। टेक्निकल कॉल्स के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रकाश काबा, सचिदानंद उत्तेकर, आशीष बहेती, रचना वैद, कविता जैन और साथ ही समित चौहान। 2:15 बजे नजरें रहेंगी मारुति पर, क्योंकि नए शिखर पर यह स्टॉक पहुंचा है। इसकी रफ्तार लगातार बढ़ रही है, ये गाड़ी रुकने का नाम नहीं ले रही है, तो उस पर एक पर्सपेक्टिव आपके लिए लेकर आएंगे। 2:20 पर कॉर्पोरेट स्कैन में आरती ड्रग्स का मैनेजमेंट हमारे साथ होगा, कंपनी के CFO से बात करेंगे। 2:30 बजे पूरा फोकस फिर IPL पर, जो किक ऑफ होता हुआ दिखाई देगा। स्पोर्ट्स नेटवर्क 18 के ग्रुप एडिटर श्रीनिवास राव हमारा साथ देने वाले हैं। और फिर 2:50 पर मार्केट बिग वॉइस में DR चौकसी फिनसर्व के MD देवेंद्र चौकसी से होगी बातचीत। फिर रुक करेंगे क्लोजिंग की तरफ, BTST, STBT ट्रेड्स और ऑफ कोर्स आज की क्लोजिंग पर बात। ओके, तो बहुत कुछ लाइंड अप है कुछ ही देर में शो में आपके लिए, लेकिन शुरुआत करेंगे इस समय की टॉप ट्रेड्स के साथ। आप सभी को गुड आफ्टरनून। गावा सर, बताइए इस समय की ट्रेड। इस समय का जो ट्रेड है वो रिपीट है जो परसों मैंने दिया था। स्टॉक का नाम है कमिंस, 2:00 बजे दिया था, आज भी 2:00 बजे ही दे रहा हूँ। अब ट्रेड कर रहा है 2924 पर, स्टॉप सिर्फ ₹15 का, 2910 पर, और लगता है ये इस वीक अब की बार 3000 पार कर ही लेगा। स्ट्रेंथ है, रेसिस्टेंस नहीं है। फर्स्ट टारगेट 2950 फिर देन 3000। यस, कमिंस इंडिया। कमिंस इंडिया में एक बाय साइड का ट्रेड गावा साहब की तरफ से आता हुआ। आशीष बहेती, आफ्टरनून, आपका ट्रेड। मेरा जो अभी का ट्रेड रहेगा वो पिडिलाइट इंडस्ट्रीज पे खरीदारी की सलाह रहेगी। बहुत अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ और जिस हिसाब से फ्रेश बाइंग आज भी इसमें देखने मिली है वो काफी इंप्रेसिव है। वॉल्यूम्स भी अभी तक जिसके एवरेज वॉल्यूम्स होते हैं उससे ज्यादा ऑलरेडी वॉल्यूम्स हो चुके हैं और ओपन इंटरेस्ट भी बिल्डअप इसमें काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। तो 3000 के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 2920 का कैसे मेंटेन करें। जी हाँ, पिडिलाइट सुबह सुबह जब अनुजो में कार्यक्रम में थे हमने इसको पिक किया था करीब करीब 2900 की ट्रेजेक्टरी में। आज सुबह सुबह शानदार मूव यहाँ पे। अब चलते हैं रचना जी के पास। रचना जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा इस वक्त? जो रहेगा वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज फॉर अ लॉन्ग ट्रेड इन द फ्यूचर्स। गोदरेज प्रॉपर्टीज ने पूरा दिन कंसोलिडेट करा है, कोई प्राइस एक्शन नहीं दिखाया, लेकिन उसकी वजह से एक अच्छा स्ट्रॉन्ग इंट्राडे बेस बन गया है जिसमें से अब वो निकलने की ट्राई कर रहा है। तो यहाँ पे फ्यूचर्स के हिसाब से 2230 का SL लगा के अगर हम इसको लॉन्ग करेंगे तो हमारा टारगेट होना चाहिए 2290 एंड 2310। ओके, तो ये हो गई रचना जी की ट्रेड। कविता जी, गुड आफ्टरनून। कविता जी, आपके रेडार पर कौन सा स्टॉक? वेरी गुड आफ्टरनून अनंत जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो मार्केट्स अभी भी आपको सुन रही थी, हरा रंग बहुत पसंद है इन्वेस्टर्स को, फॉर श्योर हरा रंग बहुत पसंद है। स्ट्रीट को रंग पसंद है हरा हरा, एंड आई बिलीव होली का त्योहार भी सबके लिए खुशियां लेकर आए बहुत अच्छे से। तो मैं इन एडवांस हैप्पी होली टू एवरी वन ऑफ यू। मेरी रडार पर अभी एज ऑफ नाउ है HAL। सो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को अगर आप देखें तो अपने एवरेजेस के ऊपर बहुत अच्छे से काउंटर निकला है। HAL, BL दोनों ही काउंटर काफी अच्छे से शूट अप हुआ है। मुझे लग रहा है 3200 के कॉल में एक बहुत अच्छी पोजीशनिंग बनते हुए दिख रही है। 3190 पर एज ऑफ नाउ काउंटर है। सो 3250-3280 के प्राइस टारगेट के लिए 1-2 डेज का नजरिया रखना चाहिए। अंटिल काउंटर 3130 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर पोजिशनिंग करें 3260 के प्राइस टारगेट के लिए। 3200 के कॉल के साथ भी आप इसमें पोजिशनिंग कर सकते हैं। 140-150 का प्राइस टारगेट रखें, स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 100 का। ओके, तो इस समय की टेक्निकल कॉल्स पूरी हुई, अब एक फंडामेंटल कॉल के लिए हमारे साथ पंकज पांडे भी जुड़ गए। पंकज जी, गुड आफ्टरनून, आपके रेडार पर कौन सा स्टॉक क्या पसंद आ रहा है? हाय, गुड आफ्टरनून अनुज। सो आई थिंक ओवरऑल जो हमारा सेंस है मार्केट में कि जो मार्च का महीना होता है थोड़ा वीकिश होता है फ्रॉम अ मार्केट पर्सपेक्टिव, बट हिस्टोरिकली इलेक्शन ईयर्स काफी अच्छे रहे हैं मार्केट के,
एंड क्योंकि हमने ओवरऑल 15-17% का इंडेक्स लेवल पे करेक्शन देखा है, तो आई थिंक इस करेक्शन को एज अ अपॉर्चुनिटी हमने यूज किया है काफी सारे स्टॉक्स रेकमेंड करने के लिए, जैसे डिफेंस में हो गया कोचिंग शिपयार्ड हम रेकमेंड कर रहे हैं विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 1055, देन HAL हो गया या फिर आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, देन इसके अलावा काफी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर साइड में स्टॉक्स हैं जो कि हमें अच्छे लगते हैं, जैसे आलूवालिया कंस्ट्रक्शन है करीब यहाँ पे हमारा टारगेट प्राइस 1260 का है, देन फिलिप्स कार्बन ब्लैक है जो कि वहां पे हमारा टारगेट प्राइस 330 का है, जैसे एक्साइड इंडस्ट्रीज हो गया जहाँ पे टारगेट प्राइस हमारा 400। आई थिंक ये करेक्शन में काफी सारे स्टॉक्स जो कि काफी फंडामेंटली स्ट्रांग है, आई थिंक यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली मिली है बाय करने की और रिकमेंड करने की, तो आई थिंक ओवरऑल आई थिंक मार्केट हमें लगता है कि काफी बॉटम अप है, मिड कैप स्मॉल कैप यूनिवर्स काफी बड़ा यूनिवर्स है एंड सारे स्टॉक्स को आप एक नजरिए से देख नहीं सकते, काफी सारे स्टॉक्स अच्छे हैं जो कि करेक्ट हुए थे और मेरे हिसाब से वो अपॉर्चुनिटी है, एंड ओवरऑल सेंस हमें यही लगता है कि आगे जाके कुछ ही प्रॉब्ली नेक्स्ट मंथ में हो सकता है कि मार्केट प्रीवियस हाई है 22,500 को शायद चैलेंज कर सके, एंड पूरे साल का जो हमारा 25,000 का निफ्टी का टारगेट है आई थिंक वो इंटैक्ट है, तो ओवरऑल हमें लगता है कि जो भी करेक्शन है वीकनेस रिसेंट पास्ट में देखी गई है आई थिंक इट्स अ अपॉर्चुनिटी टू बाय अक्रॉस कैप्स। जय चलिए तो कोची शिपयार्ड यहाँ पे मिड कैप में आपका प्रेफर्ड कॉल है, अभी HAL का ट्रेड पिक किया गया, लुक एट HAL नाउ डे हाई पर स्विंग देकर दिन के सर्वोच्च स्तर पर ट्रेड करता हुआ। अच्छा कुछ सुबह की स्पॉटिंग्स जो अच्छा कर रही हैं, आशीष बहती जी आपने सुबह सुबह USL पिक किया था यूनाइटेड स्पिरिट्स 1142 पर, वो ट्रेड बहुत खूबसूरत रहा, जैसे ही आई थिंक एक क्रिटिकल एवरेज को काटा था इसने आपने उसको पिक कर लिया था, अभी ट्रेड है ग्रिप में, ये प्रॉफिट बुक करना चाहिए चलाना चाहिए उसको अभी, आई मीन ये पैसा देगा अभी क्लोजिंग में भी? वीरेन जी होल्ड करना चाहिए क्योंकि अब तो अभी फिलहाल ये इसने 220 डेमा अपना रीगेन किया है डेली के चार्ट पे, और हमें लग रहा है जैसे आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है एक शॉर्ट कवरिंग क्लियरली यहाँ पे विजिबल है, और जैसे आपका स्ट्रक्चर है इसमें लगता है 1170 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं, तो होल्ड करें, सिर्फ जो स्टॉप लॉस है उसे ट्रेल करके ऊपर ले आए 1120 का एक कैसे उसमें मेंटेन करें। यूनाइटेड स्पिरिट्स में एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी तेज़ी की साफ बनती दिखाई दी है और इस ट्रेड को आप कैरी करेंगे। अच्छा ये जो इंडस टावर और वोडाफोन में फिर स्पाइक्स देखने को मिले हैं पिछले हफ्ते या फिर इनफैक्ट इसी हफ्ते, वो थोड़ी सी मार्केट में सुगबुगाहट थी कि इंडस टावर कुछ अपना हिस्सा ऑफलोड करता हुआ दिखाई दे सकता है, यहाँ पर कुछ प्रमोटर्स स्टेक सेल करते हुए दिखाई देंगे, वो तो फाइनली हुआ नहीं, लेकिन ये जो स्पाइक आया है पंकज आपकी राय क्या रहेगी, क्योंकि एक तरफ वोडाफोन फंड रेज करना चाहता है, प्रोमोटर्स ऑफ कोर्स उस इशू में पार्टिसिपेट करेंगे, उस स्टॉक में अच्छी तेजी बनी फिर एकदम साइडलाइंस पर गया, अब ये फिर से रिवाइव होने लगा है, निवेशक जो स्टॉक को लेकर बैठे हैं उनके लिए क्या हिदायत है और क्या यहाँ से शिफ्ट करके फिर इंडस टावर होल्ड करना ज्यादा बेहतर रहेगा? देखिए हर्षदा आई थिंक टेलीकॉम में अगर आप देखेंगे तो दो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं जियो और एयरटेल, एंड वोडाफोन के हमेशा ओवरऑल हमेशा से इशू ही रहा है इन टर्म्स ऑफ द काइंड ऑफ डेट व्हाट इट कैरीज, एंड इंडस के भी फॉर्च्यून जो है वो वोडाफोन आइडिया से ही लिंक्ड है, अभी काफी क्रूशियल ये हो जाता है कि वोडाफोन आइडिया फंड रेस कर पाता है कि नहीं कर पाता है, अदरवाइज इनके लिए एक जो आगे जाके ये पूरे पैन इंडिया प्लेयर की तरह तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, बिकॉज जिस हिसाब से 5G का स्पेंड लगता है 50-60,000 करोड़ बाकी दो दिग्गज कंपनियां कर रही है, तो ये तो कहीं ना कहीं उस हिसाब से फंड रेज नहीं कर पाएंगे, अभी वोडा पेरेंट पैसे डालता है नहीं डालता है इस पर बहुत क्लैरिटी है नहीं, एंड जब तक कोई फंड रेजिंग नहीं होती तब तक मैं इंडस टावर को भी क्लियर बाय के हिसाब से नहीं देख सकता, बिकॉज कहीं ना कहीं एक टेंडेंसी अगर आपकी इम्पैक्ट होती है तो टावर कंपनी को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट वही होता है, तो मेरे हिसाब से तो जब तक फंड रेसिंग नहीं हो जाती है तब तक इस पे एक क्लियर बाय कॉल कहना बहुत ही मुश्किल है। जी इंडस टावर पे आपका व्यू 265 पे, नाउ फाइनली निफ्टी अबव ऑल मूविंग एवरेजेस, अनुज वो जो 20 डीमा की ट्रैजेक्टरी 10 डीमा की ट्रैजेक्टरी जहां से कल एक छोटा सा रिवर्सल आया था, हालांकि कल कोलैप्स नहीं हुए थे हम, बट आप देखिए फाइनली वो क्रॉस यानी आज हमने 22,000 के और 22,100 के कॉलेटर्स के ऊपर जंप करना शुरू किया अनुज, निफ्टी आईटी उतना जितना सिंक हुआ सुबह जब अनुज हम आप और मैं थे 1300 अंक था, क्या बहुत अच्छे तरीके से बाजार ने सारे चाहे वो निफ्टी आईटी हो चाहे सुबह सुबह मेटल्स इनके कोलैप्स को हैंडल किया आज 100%। बीरू एक चीज़ मैं कहूँगा, आईटी में थोड़ी अति हो गई थी,
गिरना था आईटी, लेकिन इतना नहीं गिरना था जितना हमने बात की थी, 2-3% गिरेगा, वो उससे ज्यादा गिर गया था, बहुत ज्यादा। वो कई मार्केट में ऐसे ये सब चीजें चलती रहती हैं। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि आईटी ऑलरेडी काफी स्ट्रांग था जिसमें लॉन्ग पोजीशन बनी हुई थी तब गिर गया। हम डिस्कस ही कर रहे हैं कि आईटी ऑलरेडी वीक था पिछले एक महीने से, कुछ ना कुछ हद तक शायद मार्केट को ये नर्वसनेस पहले से थी आईटी में कि शायद किसी न किसी कंपनी की कमेंट्री खराब आ जाएगी इसकी वजह से। लेकिन आज जिस तरीके से निफ्टी ने अब वापस पुलबैक दिखाया वीरू, जिस तरीके से अभी मार्केट जा रहा है, ये मुझे लग रहा है कि शायद 22200 आज ही निकालने के मूड में है, जिस तरीके से इसने लास्ट के 15 मिनट में मुंह दिखाया। और जो एलएनटी, जैसा आप बोल रहे थे, एलएनटी में जो क्लीन ब्रेकआउट मिला है, तो मार्केट को अब कहीं ना कहीं से लीडरशिप मिल रही है। मेरे ख्याल से एक दो स्टॉक्स पर ध्यान रखें, एक SBI पर ध्यान रखें, और एक मुझे लग रहा है HDFC बैंक पर भी ध्यान रखें। एक बार इन दोनों स्टॉक्स का इंटरडे लेकर आइए। SBI में वापस कोशिश हो रही है डे हाई निकालने की, और HDFC बैंक देखिए सुबह एकदम डे लो पे था, अब कोशिश कर रहा है ये भी डे हाई पे आने की। अगर यहाँ से वो थोड़ा सा हेल्प मिल जाए, बैंक निफ्टी 47,000 के ऊपर आ जाए ना, तो मुझे लग रहा है 22200 आज ही पॉसिबल है फिर। लेकिन एक चीज़ क्लियर है, मार्केट का टेक्सचर वापस जरूर बदला है, सेल ऑन रैली से बाय ऑन डिप्स 100% हुआ है। जी, और इस वक्त बाकी LNT को देखिए, अभी मैं मेंशन कर ही रहा था, आई थिंक जब मैं यहाँ स्क्रीन पर आके बैठा था ना, तो LNT की कौन सी स्ट्राइक थी एक्सैक्टली बताता हूँ मैं आपको, 3600 की कॉल में ह्यूज बिल्डअप था, और अब देखिए वहाँ से 3631 हो गया। ABB को लेके आइए, ABB को आपकी स्क्रीन पे लेके आते हैं, ABB 5964। और आपको याद होगा जब हम इस सीरीज़ की शुरुआत कर रहे थे, ABB 92% रोलओवर्स के साथ इस सीरीज में आया था, एंड द बेस्ट अगर आप देखें स्टॉक रहा है इस सीरीज का अब तक का। पंकज, आपकी प्रिफर लिस्ट में कैपिटल गुड्स में इस वक्त सबसे ऊपर क्या है? LNT डेफिनेटली प्रेफर्ड लिस्ट में, जहां पे हमारा टारगेट प्राइस 4,150 का है। आई थिंक 4.5 लाख करोड़ का इनका ऑर्डर बुक ऑलरेडी है, प्लस करीब 8 से 9 लाख करोड़ का पाइपलाइन है, 17-18% का ग्रोथ करेगी। आई थिंक अच्छी चीज ये कि जो इनके अटके हुए प्रोजेक्ट्स थे, जैसे हैदराबाद मेट्रो था, आई थिंक कहीं ना कहीं वहां पे लगता है कि जो रियल एस्टेट का जो उछाल आया है, वो कहीं ना कहीं इस कंपनी को बेनिफिट कर सकता है मोनेटाइजेशन करने में आगे। अदरवाइज बाकी आप कैपिटल गुड्स कंपनी देखें तो काफी एक्सपेंसिव लगती हैं, नॉट टू से दैट कि बेच देनी चाहिए, बट अगर आप देखें मोस्ट ऑफ दीज कंपनी, सीमेंस, ABB, आई थिंक इनमें वैल्यूएशन के हिसाब से तो कुछ खास हेडरूम बचता नहीं है, बिकॉज CY26 के बेसिस पे भी ये 60 के ऊपर चल रहे हैं, बट आप इनमें ज्यादा करेक्शन देखते नहीं है, बिकॉज कोई बेचना नहीं चाहता, बिकॉज अगर इंडिया में कैपेक्स स्टोरी अगर प्ले करनी है, तो अगर आप स्टॉक होल्ड करते हैं तो होल्ड करके रखिए, बिकॉज ये काफी साल के बाद में इंडिया में एक स्ट्रॉन्ग कैपेक्स स्टोरी इवॉल्व हो रही है। एंड उसके अलावा अगर आप देखें तो छोटी कंपनीज है, जैसे अनूप इंजीनियरिंग है, वो हमें अच्छी लगती है, एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है, आई थिंक क्योंकि क्रेन्स की रिक्वायरमेंट डेफिनेटली आएगी, अगर आप ओवरऑल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी या बाकी और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी देखते हैं, तो आई थिंक ये सारे थोड़े काउंटर्स हैं जो कि अच्छे लगते हैं, बट बड़े नाम में अगर देखें तो मेरे हिसाब से LNT सबसे बड़ा निकल के आता है टॉप। बिल्कुल। अच्छा, 2-3 स्टॉक्स की बात करें, एक बार जरा टाइटन लेकर आइए। टाइटन में जिस तरीके से LNT में मूव आया, उसी तरीके से टाइटन में भी एक मूव आया, और अब टाइटन डे हाई पर 2% ऊपर। और एक बार दिखाइए OFSS, Oracle फाइनेंशियल सर्विसेज, एक हमारा फेवरेट स्टॉक रहा है ये काफ़ी टाइम से, और देखिए आज पूरा IT गिर गया, OFSS ग्रीन में आ गया। ये अगेन मैं जो बोल रहा था ना, रिलेटिव स्ट्रेंथ, ये एक स्टॉक है रिलेटिव स्ट्रेंथ, इसको बोलते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ। सेक्टर कहीं का कहीं जाए, ये स्टॉक लगातार अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री में बना हुआ है, आज भी मेरे ख्याल से ये इसका फ्रेश ऑल टाइम हाई ही होगा शायद। पंकज, आपने कैसे रीड किया एक्सेंचर की कॉमेंट्री को, और अगर इस गिरावट में कोई IT स्टॉक लेना चाहें तो कौन सा लेंगे? एक्सेंचर ने जो कमेंट्री दिया है अनुज, वो 2-5% का इनका प्रोग्राम है, गाइडेंस है, जो कि इन्होंने घटा के 1-3% कर दिया है, एंड उसमें इनका इनऑर्गेनिक ग्रोथ भी बिल्ट इन है, तो कहीं ना कहीं अगर आप हायर एंड पे वो हटाते हैं 2% का इनऑर्गेनिक ग्रोथ, तो इनका जो ग्रोथ प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो 1% ही है। अच्छी चीज है कि IT कंपनीज में कोई बहुत बड़ा बिल्डअप था नहीं कि आउटलुक बहुत ब्राइट है, आई थिंक एक्सेंचर के नंबर से कोई खास हेल्प हुई नहीं, जो भी रिकवरी एक्सपेक्टेड है वो मेरे हिसाब से 25 एंड FY 25 में होगी या FY 26 में ही निकल के आएगी। एंड मेरे हिसाब से जो कंपनी देख सकते हैं वो टेक महिंद्रा है, आई थिंक ये कंपनी 4-5 साल में कुछ नहीं किया है, यूजुअली हिस्टोरिकली ये कंपनी M&A के थ्रू ग्रो करती थी, बट आई थिंक नए मैनेजमेंट के आने से ओवरऑल एक ट्रेडिशनल वे में कंपनी रन की जाएगी, एंड हमें लगता है कि जो इसका BFSI वगैरह कंट्रीब्यूशन काफी कम होता है,
आई थिंक आगे जाके वो सब बढ़ाया जाएगा एंड जो मार्जिन प्रोफाइल सिंगल डिजिट में है वो इम्प्रूव होगी. आई थिंक इस क्वार्टर में एक्सपेक्टेशन है कि एक ग्रोथ पाथ कंपनी बताएगी एंड अगर वो एक्सपेक्टेड लाइन्स पे हुआ तो मेरे हिसाब से स्टॉक रिलेटिवली रिस्क रिवॉर्ड वाइज काफी अट्रैक्टिव लगता है. बट ओवरऑल आई टी से मैं बहुत उम्मीद नहीं करता कि वो इंडियन ओवरऑल मार्केट्स बहुत परफॉर्म करेगा अक्रॉस पीरियड्स शायद जारी रहेगा. इनफैक्ट एक्सेंचर के नंबर्स के बाद कुछ ग्लोबल एनालिस्ट भी यही कह रहे थे कि देखिए लगातार 6 quarters से इंडस्ट्री सफ़र कर रही है और इस कमेंट्री के बाद 6 quarters से ज़्यादा समय लगेगा, इनफैक्ट कुछ साल लग सकते हैं मिड टू हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ आने के लिए. ये ऑफकोर्स एक्सेंचर के कॉन्टेक्स्ट में है. अब आई डोंट नो भारतीय बाकी आपकी इन्फी और TCS जैसे प्लेयर्स क्या उसे बेहतर कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि बिजनेस मॉडल में कोई खास अंतर है? बिजनेस मॉडल में खास अंतर नहीं है हर्षदा. ये मैं एक चीज़ कहूँगा, अभी भी बहुत लोगों का ये मानना है, जैसे फॉर एग्जांपल समीर अरोड़ा आते हैं चैनल पे, आज सुबह दिनशो आए थे, वो तो कह रहे हैं कि हम अभी भी IT अवॉइड कर रहे हैं. वो पिछली रैली भी उन्होंने कहा था कि हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा रैली हो रही है. मेरे ख्याल से अभी भी शायद कंपनियों की वो कमेंट्री, मैंने टेक महिंद्रा की पिछली बार की मैनेजमेंट कमेंट्री मैंने सुनी थी, मैं उस कॉन कॉल में था, अब तक मैनेजमेंट की तरफ से वो विजिबिलिटी नहीं आई है. हाँ. लेकिन मार्केट ना क्या होता है ना, मार्केट एक्चुअली वेट करेगा कि ये विजिबिलिटी आ जाएगी तब लेगा, तब तो वो स्टॉक मिलेंगे ही नहीं. और प्लस ये क्या है ना, इन सेक्टर्स ने नॉर्मली आपको पैसा बना के दिया है जब भी आपने खराब मार्केट में खरीदा है. और पिछली बार जो रैली आई थी वो इसलिए भी आई थी क्योंकि वो आप मीडियन वैल्यूएशन पर आ गए थे इसके लिए. लेकिन हाँ, अब इस बार की कमेंट्री सुन लेते हैं. अच्छा, इस बार की हमारी कमेंट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी होगी क्योंकि इन्फोसिस के फुल ईयर की गाइडेंस आएगी. और इन्फोसिस के फुल ईयर गाइडेंस मैं अभी भी बोलता हूँ कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्यों होता है आईटी कंपनियों के लिए. तो आई थिंक एक बार वो देख लेते हैं, उसके बाद व्यू लेंगे. अच्छा, और इन्फोसिस ने वैसे भी अंडर परफॉर्म किया था पिछले 3-4 महीने में, तो मार्केट शायद प्रिपेयर तो कर रहा है कि जिस तरीके की बात एक्सेंचर ने की है, शायद ऐसी कुछ बात ये बड़ी आईटी कंपनियां बोलेंगी. प्लस वो टाटा सन्स ने TCS में आके स्टेक बेच दिया, आई थिंक उससे भी थोड़ा सा मूड माहौल खराब हुआ था कि भाई, हालांकि टाटा सन्स ये पहले भी करता आया है. हाँ. लेकिन टाटा सन्स के बारे में, पहले वाले टाटा सन्स के बारे में बोलते थे कि भले ही प्रमोटर बहुत, मतलब भले ही कंपनी बहुत अच्छी हो लेकिन इन्वेस्टर बहुत खराब है, क्योंकि वो समय TCS में बेच के टाटा स्टील और टाटा मोटर्स में तब पैसा डालते थे जब वो अंडर परफॉर्म कर रहे थे. तो बहुत लोग कह रहे थे कि उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उससे जिस टाइम पे आया उससे भी थोड़ा सा मूड माहौल खराब हुआ क्योंकि ये सेटल हो गया उसके बाद 4,000 के नीचे. लेकिन इन्फोसिस के नंबर्स देखते हैं, कमेंट्री देखते हैं, तो उसका इंतजार जरूर रहेगा. और इनफैक्ट अप्रैल 10th ऑनवर्ड्स वो पूरा सिलसिला किक ऑफ होता हुआ दिखाई जरूर देगा. अच्छा, अब एक ऐसे स्टॉक की बात करते हैं जो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, जिसका पेट्रोल खत्म ही नहीं होता. नो गेसेस और नो रिवॉर्ड्स फॉर एनी गेसेस. या मारुति की बात हो रही है, 2 दिन पहले मैनेजमेंट से बातचीत की थी, काफ़ी कॉन्फिडेंट थे और एक बार फिर नए हाईस पर स्टॉक ट्रेड करता हुआ. सुमित हमारे साथ है. तो मारुति का स्टॉक नए शिखर पर अब कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है और लगातार तेजी के चलते ये स्टॉक अब 4 lakh crore मार्केट कैप के क्लब में पहुंचता हुआ दिखाई पड़ेगा विद टाइम. तो एक शानदार तेजी स्टॉक में देखने को मिली, करीब करीब 3.9 lakh crore रुपए के आसपास की कंपनी की मार्केट कैप अब पहुंचती हुई दिख रही है. तो एक जोरदार तेजी में मारुति का स्टॉक ऑलरेडी कामकाज कर रहा है. लेकिन बहुत सारी चीज़ें इससे रिलेटेड है. पहला तो देश की सबसे बड़ी ऑटो कंपनी तो है ही पहले से ही, लेकिन अब ये देश की 15वीं सबसे बड़ी कंपनी के तौर पर भी शुमार होती हुई दिखाई पड़ रही है और शानदार तेजी इसने दिखाई थी. रिसेंटली एक इवेंट ये भी हुआ था, टाटा मोटर्स इनकी मार्केट कैप से ज़्यादा हो गया था, लेकिन वापस अब मारुति ने वो पायदान हासिल कर लिया है. 2003 में इस कंपनी का IPO आया था और उस समय के कुछ इंटरेस्टिंग नंबर्स आपके सामने आएंगे. करीब करीब 125 रुपये पर शेयर के आसपास का इशू प्राइस था और वो इशू प्राइस 165 रुपये पर शेयर के आसपास कहीं लिस्ट हुआ था. उस समय पर जो मार्केट कैप थी वो करीब करीब 3600 करोड़ रुपए के आसपास थी, लेकिन वहाँ से शेयर ने जो रफ्तार पकड़ी और आज आपके सामने मार्केट कैप 4 lakh crore पहुँच चुकी है. लिस्टिंग के बाद करीब अब तक जो CAGR रिटर्न है वो 24-24.5% के आसपास का इस कंपनी ने दिया हुआ है, जो कि पिछले 23-24 सालों के दौरान आप मान के चलिए कि इस तरह के रिटर्न आते हुए दिखाई पड़े हैं. ये जर्नी मारुति की 1000 का लेवल इसने सितंबर 2007 में छुआ था पहली बार, 2014 तक आते आते 2000, तो पहले 7 साल लगे इसको 2000 तक पहुंचने में, डबल होने में, लेकिन उसके बाद रफ्तार बढ़ती गई. 3000 पहुंचा 2014 में, 2015 तक आते आते 4000, 2016 तक आते आते 5000, 2017 तक आते आते 6000. तो पहले 1000 में लगा 1 साल, लेकिन उसके बाद हर साल इस शेयर में एक अच्छी तेज़ी आते हुए दिखाई पड़ी. इसके बाद अब 2000 ये जो उसके बाद का सफ़र है, 2017 में आया 7000, 2017 में ही 8000, 2017 में ही 9000, फिर 23 में 10000, जो एक बड़ा माइलस्टोन था जिसके बाद नीचे भी गया बहुत समय के लिए, वहाँ से वापस आया, फिर 11000 और अब 12000 का ये नंबर है ये अचीव होता हुआ दिखाई पड़ा. तो लगातार बढ़िया जर्नी जो कि मारुति ने दिखाई और 24-25% के आसपास की CAGR मेंटेन रखी.
बिल्कुल, बस एक चीज है सुमित, 2017 से 2023 छह साल लग गए 9000 से 10000 आने में, तो अच्छे से अच्छे शेयर्स में भी कई बार टाइम कंसोलिडेशन आता है। अच्छा अच्छा, इसमें एक और चीज़ बताता हूँ आपको, जब जब गवर्नमेंट अपना रेसिडुअल स्टेक बेचा था तब उन्होंने ज़्यादा पैसा बनाया था, बजाय इसके जब उन्होंने अपना स्टेक सुजुकी को वो मेजोरिटी स्टेक बेचा था। और एक और चीज़ बताऊँ मैं आपको, जैसे सुमित बता रहे हैं IPO के बाद ही 100 गुना हुई है कंपनी, क्यों पिछले 2-3 साल में PSU कंपनीज में एक तरीके से आग लगी हुई है? क्योंकि जैसे कुछ तो हो पाती हैं, कुछ तो भाई प्राइवेटाइज हो जाएंगी, क्योंकि प्राइवेटाइज हो जाएंगी, जैसे BSNL प्राइवेटाइज हुई थी या मारुति प्राइवेटाइज हुई थी, उसके बाद क्या आपने मूव देखा? लेकिन अगर ना भी हो तो भी वैल्यू तो है ही सब कंपनियों में, अगर अगर अच्छे से रन करने लग जाए इन कंपनियों को तो ऑब्वियसली ये वैल्यूएशन कमांड कर सकते हैं। वेरी क्विकली पंकज, मारुति पर क्या व्यू रहेगा इस लेवल पर, 1, 2, 3, 4, 5 एग्जैक्ट 1, 2, 3, 4, 5 इस समय? देखिए अनुज, आई थिंक अगर आप पिछले 4-5 साल में देखें तो मारुति भले अभी लाइफ टाइम हाई पे हो, बट कोई बहुत ग्रेट परफॉर्मेंस रहा नहीं है कंपनी का। जिस हिसाब से कंपनी का पोटेंशियल है, मेरे हिसाब से काफी अंडर परफॉर्म किया है। आई थिंक इनके जो रीसेंट प्रोडक्ट लाइनअप है, जिमी वगैरह कुछ खास कर नहीं पाए हैं, एंड ओवरऑल SUV सेगमेंट में कंपनी मार्केट शेयर लूज कर रही है। हालांकि ओवरऑल इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, बट कंपनी का जो आगे जाकर एक गाइडेंस भी है कोई बहुत इंस्पायरिंग नहीं लगता है, क्योंकि आप 5-7% वॉल्यूम ग्रोथ का बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं ओवरऑल इस कंपनी को पोर्टफोलियो के हिसाब से नहीं देखता, बट क्योंकि ये स्टॉक काफी टाइम से चला नहीं है, वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, तो ये थोड़ा बहुत चल सकता है, बट मैं इसको पोर्टफोलियो के हिसाब से रिकमेंड नहीं करना चाहूंगा। पोर्टफोलियो के हिसाब से रेकमेंड ना करें, ये आप कह रहे ना इनके रीसेंट प्रोडक्ट्स जमे नहीं वीरू, उस पर काफी आपत्ति लेंगे वीरू। आजकल वो मारुति की ग्रैंड विटारा के पूरे मुराद हैं, तो उसी के चक्कर उसी के गुणगान गाते रहते हैं। अब आई डोंट नो गाड़ी खुद की वो चेंज करेंगे या नहीं, लेकिन वो एक बड़े फैन उभर कर आए हैं। एम आई राइट वीरू? मैं और अनुज इस पर काफ़ी हद तक सहमत होंगे। हम अभी परसों ही बात कर रहे थे, कल बात कर रहे थे अनुज और मैं, मेरे ख्याल से ग्रैंड विटारा ने एक बड़ा स्पेस भर दिया आज तक। पहले आपको इस सेगमेंट में 1500 सेगमेंट में सिर्फ क्रेटा दिखाई देती थी, सिर्फ क्रेटा सड़क पर, और आप आज ग्रैंड विटारा को घूमते हुए देखेंगे। पर मैं बताऊँ एक चीज़ जो मैं मानता था कि एक स्पेस जो कि मारुति ने पिछले 2 डेकेड से खाली छोड़ रखा था, वो था 2000cc की गाड़ी का। और आपको याद होगा शशांक जी, जब परसों थे हमारे साथ हर्षदा, मैंने पूछा था कि 15 से 20 लाख रुपए की रेंज में आप एक 7-सीटर लेके आइए, जिसकी स्कॉर्पियो है, जिसकी XUV500 है, जिसकी आपकी टाटा हैरियर है, जिसकी आपकी सफारी है, उस सेगमेंट को और भर दीजिए। बट मोर और लेस हर्षदा 2000cc का सेगमेंट उन्होंने भर दिया है आई थिंक विद इन्वेक्टो। हर्षदा एक चार्ट चेक ले लेते हैं। रचना जी, मारुति रफ्तार और पकड़ेगा स्टॉक, चार्ट्स पर क्या इशारा आ रहा है? जी मारुति बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट के साथ आगे बढ़ा है आज के टाइम में, और यहाँ पे चार्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो कंटिन्यूएशन फर्दर भी हो सकती है। और यहाँ पे हम फ्यूचर्स के हिसाब से अगर लेवल्स की बात करें तो एज ऑफ नाउ अगर मार्च फ्यूचर्स की बात करें तो 12,330 के करीब है, और यहाँ पे फॉलो थ्रू बनेगा, ऐसा नहीं कंसोलिडेशन नहीं आएगा, लेकिन कंसोलिडेशन के बाद भी फॉलो थ्रू बनना चाहिए। तो इट इज अ बाय ऑन डिप्स, और इंट्राडे के हिसाब से चेस करने का मतलब नहीं बनेगा, लेकिन अगर मल्टी डे होल्डर है आप, या तो आप एक रिट्रेसमेंट या माइनर पुलबैक के लिए इंतजार करने को तो रेडी है, तो आपके लिए यहाँ पे मौका कंटिन्यू रहेगा, और ये काउंटर बहुत जल्दी 12,500 को क्रॉस करना चाहिए। एज ए डिस्क्लोजर मैं इसमें ट्रेड करती हूँ, और आज 12,427 का हाई इसने छुआ, इस समय 12,337 पर है, लेकिन 12,500 की तरफ बढ़ जरूर रहा है, एक अच्छा खासा मोमेंटम ट्रेड ये बना है। अच्छा चलिए अब बात करते हैं आरती ड्रग्स की। स्टॉक पहले आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, जहां पर हाल ही में वो अपडेट आया था कि इनका एक पर्टिकुलर यूनिट थी पोल्यूशन बोर्ड की तरफ से, उस पर ताला लग गया था, लेकिन अब वो क्लियरेंस मिल गया है गुजरात पोल्यूशन बोर्ड से सारीग्राम प्लांट, तो वहां से आई एम श्योर कामकाज शुरू होता हुआ दिखाई देगा। इसके क्या इस पर्टिकुलर यूनिट के क्या मायने हैं और ओवरऑल आउटलुक में कितनी बेहतरी देखने को मिली है, हमारे साथ कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अधीश पाटिल जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। पहले तो ये सारीग्राम प्लांट कितना कॉन्ट्रीब्यूट करता है ओवरऑल ऑपरेशंस में, यहाँ से कितना प्रोड्यूस आता है उसका एक अंदाजा दे सके? मेनली ये अराउंड 10-11% ऑफ द सेल्स कंट्रीब्यूट करता है ये प्लांट,
मगर एक बात बताना चाहूंगा कि हम लोग को ऑलरेडी रिवोकेशन ऑर्डर मिल चुका था, मगर वो टेम्पररी था, अभी परमानेंट रिवोकेशन ऑर्डर आ गया है। उसका एक बेनिफिट ऐसा होगा हमारा कि हमारा जो एक्सपेंशन प्लान था इसके ऊपर, वो फाइल अभी, वो एप्लीकेशन इमीडिएटली हम लोग करने वाले हैं। उसकी वजह से हम लोग का एक्सपेंशन रुका हुआ था, तो अभी परमानेंट रिवोकेशन ऑर्डर आ गया है, तो वो प्रोसीड होगा आगे। बाकी एज फार एज फाइनेंशियल्स आर कंसर्न, वो प्लांट ऑलरेडी ऑपरेशनल था सिंस क्वाइट फ्यू मंथ्स, तो ऐसे फाइनेंशियल्स में इमीडिएट इंपैक्ट नहीं आएगा, मगर फ्रॉम एक्सपेंशन जब आएगा तब इंपैक्ट आएगा। तो अधीश, प्लान्ड एक्सपेंशन क्या है, कितनी आप कैपेसिटी यहां पर बढ़ाना चाहेंगे, कितना इन्वेस्टमेंट आएगा? फिलहाल फर्स्ट फेज में इतना हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं है, इनफैक्ट हम लोग ने एक्सपेंशन ऑलरेडी थोड़ा बहुत कर चुके हैं, मगर बिकॉज परमिशंस नहीं है इसके लिए हम लोग वो स्केल पे चला नहीं पाते प्लांट। तो अभी एक बार परमिशन आ गया तो इमीडिएटली हम लोग वो प्रोडक्शन चालू कर देंगे, तो कैपेक्स ऑलमोस्ट हो चुका है वो प्लांट का। ओके, तो अधीश गुड आफ्टरनून, तो अभी आपने बोला कि कोई खास इसका इम्पैक्ट है नहीं, तो कैसे देख रहे हैं आप अगले फाइनेंशियल ईयर को, किस तरीके की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी आप दिखा सकते हैं? तो जहाँ तक एपीआई का सवाल है, तो एपीआई सेगमेंट में अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो अगले साल के मीन्स FY25 के जो रेट्स है वो एज कम्पेयर टू FY24 थोड़े कम रहेंगे, बिकॉज फॉलिंग डाउन ट्रेंड रहा है लास्ट ईयर। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अराउंड 7-8% नेगेटिव रेट वेरियंस आएगा, 7-8% टॉप लाइन में, बट वॉल्यूम ग्रोथ के साथ वी विल ट्राई अवर बेस्ट कि हम लोग डबल डिजिट रिटर्न, डबल डिजिट ग्रोथ अचीव करें रेवेन्यूज पे। और फिर एज फार एज मार्जिन्स आर कंसर्न, उसमें ग्रॉस कॉन्ट्रीब्यूशन इम्प्रूव तो हो रहा है सिक्वेंशियली, मंथ ऑन मंथ इम्प्रूवमेंट आ रहा है, मगर ऑन पूरे साल के बेसिस पे देखा जाए तो और 2-2.5% का इम्प्रूवमेंट आ गया ग्रॉस कॉन्ट्रीब्यूशन में, तो हमारा जो EBITDA का टारगेट है, EBITDA मार्जिन का अराउंड 14% के ऊपर, वो हिट हो जाएगा। ओके, अच्छा, क्योंकि आपने यहाँ पे मिस्टर पाटिल ग्रॉस मार्जिन्स की बात करी, मैं कुछ क्वार्टर पहले आपकी कमेंट्री सुन रहा था, उसमें आपने बात की थी कि हमारे लिए एज ऑफ नाउ एक्सपोर्ट मार्केट अच्छा नहीं कर रहा, बट आई थिंक Q4 में एक्सपोर्ट्स ठीक ठाक हो गए, एंड स्पेशली दिस टाइम ड्यूरेशन, आई मीन मार्च, आप एक्सपोर्ट मिडिल ईस्ट में और आई थिंक लैटिन अमेरिका में वहाँ पर स्ट्रॉन्ग मान के चल रहे थे, क्या ये जो एक्सपोर्ट मार्केट है स्ट्रॉन्ग हुआ है, क्या ये जो ज्योग्राफिकल एरियाज थे ये स्ट्रॉन्ग हैं, और क्या यही आपके मार्जिन्स को फुल ईयर के लिए इम्प्रूव कर रहे हैं? तो मार्जिन्स इम्प्रूवमेंट का दो रीज़न है, एक तो बेस इफेक्ट है कि जब सेलिंग प्राइसेस कम होते हैं तो बिकॉज वो एब्सोल्यूट वैल्यू पर केजी ऑफ एपीआई, वो जो टॉप अप होता है रॉ मटेरियल के ऊपर, वो सेम रहता है, तो उसके वजह से ग्रॉस परसेंटेज बेसिस में मार्जिन्स बढ़ जाता है, वो बेस इफेक्ट हुआ। और सेकेंडली हम लोग के लिए एक्सपोर्ट मार्केट्स में काफ़ी अच्छा मीन्स एज कम्पेयर टू डोमेस्टिक मार्केट मार्जिन्स डेफिनेटली बेटर है। तो जैसे आपने बराबर कहा कि जैसे लैटिन अमेरिका और ये जो यूरोपियन एक्सपोर्ट्स और बढ़ेंगे, उसका जो प्रपोर्शन बढ़ेगा और इवन रिस्टोर हो जाएगा जैसे लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में था, तो डेफिनेटली एग्रीगेट लेवल पे ग्रॉस कॉन्ट्रीब्यूशन हम बढ़ना चाहिए। हैविंग सेड दैट, एक चीज हम लोग ने नोटिस किया, अब तक जितना चाहिए उतना पिकअप आया नहीं है, बट डेफिनेटली पहले से बेहतर है फिलहाल डिमांड। मैं आपकी जो आपने एपीआई मेंशन किया था और उसमें से आपके जो की प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो नेब्यूसिलाइड हो, कीटोकोनाजोल हो, वहां पर प्राइसिंग में कोई इंडिकेशन है कि इम्प्रूवमेंट कब तक आती हुई दिखाई दी थी दे सकती है? प्राइसिंग में इम्प्रूवमेंट ऐसे नहीं, अभी दिसंबर में फॉलिंग ट्रेंड था, दिसंबर क्वार्टर में थोड़ा सा, जैन मंथ में एज कम्पेयर टू दिसंबर क्वार्टर अगर पूरा देखा जाए तो कम दिखेगा, बट दिसंबर मंथ से में भी इतना कम नहीं होगा। सेलिंग प्राइसेस तो कम है बट अभी वो स्टेबिलाइज हो चुके हैं, बट एट द सेम टाइम हम लोग के इनपुट प्राइसेस मीन्स रॉ मटेरियल प्राइसेस भी काफी कम हो चुके हैं, तो जो गैप है वो बना रहेगा और उसके वजह से मार्जिन एक्सपेंशन का स्कोप काफी लग रहा है। साथ ही स्पेशलिटी केमिकल्स, क्योंकि उससे भी आप कुछ पैसा कमाते हैं, अक्रॉस द बोर्ड चाइना का इम्पैक्ट कंपनियों पर आ रहा है, कितनी विजिबिलिटी है? हम इनफैक्ट कल परसों एक और मैनेजमेंट से भी बात कर रहे थे, उन्होंने भी ये मेंशन किया कि H2 ऑफ नेक्स्ट ईयर उससे पहले कुछ ज्यादा सुधार नहीं देखने को मिलेगा, आपकी एनालिसिस क्या है?
सो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिपेंड करेगा. हमारा स्पेशलिटी केमिकल के डिवीजन जो है वो मेजरली डिपेंडेंट है क्लोरोसल्फोनेशन प्रोडक्ट्स पे. तो एज फार एज क्लोरोसल्फोनेशन प्रोडक्ट्स का सवाल है तो उधर डिमांड का इतना इम्पैक्ट हुआ नहीं हम लोग को लास्ट ईयर. तो होपफुली आरती ड्रग्स के प्रोडक्ट प्रोफाइल पे इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा जहाँ तक स्पेशलिटी केमिकल्स का सवाल है. रतीश बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए. तो ये है आरती ड्रग्स की मैनेजमेंट. चलिए अब एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं. सचिन भी जुड़ गए हमारे साथ अपनी ट्रेड के साथ. सचिन गुड आफ्टरनून. सचिन बताइए क्या ट्रेड होगी इस समय? क्लियरली आई थिंक जिस तरीके से मार्केट ने यू टर्न लिया है, एक अच्छे यू नो रेजिस्टेंस लेवल को इसने पार किया है. 22,080-40 के आसपास का एक रेजिस्टेंस जोन था, वो इसने काफी कॉन्फिडेंटली यू नो क्रॉस किया है. इसमें आई थिंक मेटल्स में एक शानदार तेजी बनी है, तो मुझे लग रहा है ये मोमेंटम जो बन रहा है मेटल स्टॉक्स में, आई थिंक ये नेक्स्ट वीक में भी थोड़ा सा कंटिन्यू रह सकता है. थोड़ा सा यहाँ पर पुल बैक पे खरीदारी करने की सलाह होगी जीएसडब्ल्यू स्टील के काउंटर में, लगभग अराउंड 830-832 के आसपास इसके फ्यूचर्स है. तो 830 तक मुझे लग रहा है इस स्टॉक को अक्यूमुलेट करना चाहिए. ऑन द लोअर साइड स्टॉप लॉस आप लगभग अराउंड 822 के आसपास लगाए, एंड मुझे लग रहा है 1 से 2 दिनों में वापस ये स्टॉक अराउंड 860 के जोन को रिविजिट कर देगा. तो आई थिंक यहाँ पर खरीदारी करनी है जीएसडब्ल्यू स्टील के फ्यूचर्स में. ओके, जीएसडब्ल्यू स्टील के फ्यूचर में खरीदारी करनी चाहिए. गाबा सर को दिखाइए जरा. गाबा सर एक स्टॉक आया मेरे रेडार पर, वो पूछना मुझे आपसे, गेस करिए कौन सा स्टॉक होगा सुबह सुबह. फार्मा स्टॉक एक सिप्ला. सुबह का पहला ट्रेड जो सुबह सुबह हमारा क्विक सिंगल्स में सबसे पहला ट्रेड डिस्कस हुआ था वो सिप्ला डिस्कस हुआ था. एक बार जरा सिप्ला लेकर आइए स्क्रीन पर. गाबा सर की पिक थी ये. आई थिंक गाबा सर आपके टारगेट हिट हुए होंगे यहाँ पर. अब क्या करें, मुनाफा बांध लें यहाँ पर या फिर कैरी करें? देखिए आज इंट्राडे ट्रेडिंग है तो मुनाफा बांध सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है नेक्स्ट वीक ऊपर है 1500 का लॉजिकल टेक्निकल टारगेट, वो आज भी आ सकता है. उसके आसपास मिलता है तो ले लेना प्रॉफिट. 3 दिन छुट्टी है, नेक्स्ट वीकेंड लॉन्ग वीकेंड है, मंडे भी छुट्टी फ्राइडे भी छुट्टी, तो एंजॉय करना चाहिए होली, मुनाफा ले लेना चाहिए. बुक प्रॉफिट तो ये हो गई इस समय सिप्ला पर. आज सुबह ही लग रहा था कि फार्मा में कुछ अच्छा मोमेंटम बन रहा है और सुबह सुबह उसको लीड कर रहा था सिप्ला. और एक और स्टॉक जो हमने अभी भी डिस्कस किया था टाइटन, एक बार उसको और देख लेते हैं. सचिन टाइटन पर कोई व्यू है क्या? आई थिंक यहाँ पर अच्छा रिबाउंड हुआ है. इनफैक्ट 3600 के सपोर्ट को इसने एक बार वायलेट किया था, बट क्लोजिंग बेसिस पे वापस इसे रिटेन किया गया था, एंड वहां से एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग की मूव नजर आ रही है. तो आई थिंक यहाँ पर भी मोमेंटम थोड़ा सा ड्यूरेबल हो सकता है. एक पॉजिटिव क्रॉसओवर है इसके RSI पे ऑन द डेली स्केल, एंड जिस तरीके से ये क्लस्टर ऑफ डेटा है तो 3800 एंड 3600 की रेंज यहाँ पर एविडेंट थी. तो जिस तरीके से फिलहाल मोमेंटम है, आई थिंक 3720 पे मुझे लग रहा है और लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने में कोई हर्ज नहीं है. स्टॉप लॉस आप यहाँ से 3688 पे लगाए, एंड 3800 के रेजिस्टेंस जोन के आसपास एक बार रिव्यू करें, तो मुझे लग रहा है पॉजिटिव मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए. एक काम करते हैं, 4 का चौका लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे IPL की. सस्ता ऑप्शन आज हम आशीष बैती से लेंगे, FNO सुपरस्टार के लिए रचना वैद्य, चाट का चमत्कार के लिए सचिन और पंकज पांडे से मिटकैप फंडा लेंगे. तो आशीष जी शुरुआत करते हैं आपका सस्ता ऑप्शन ट्रेड. जी अनुज जी, इंडस टावर के ऑप्शन में खरीदारी की सलाह रहेगी. जिससे आपका मोमेंटम बना हुआ इंडस टावर में, लगता है कि इसे ऑप्शन के थ्रू ही प्ले करना ज्यादा बेटर रहेगा. तो 265 का जो कॉल है उसमें खरीदारी की सलाह है. वो 4.70 रुपए के करीब चल रहा है. जो इसमें स्टॉप लॉस लगाना है वो 3 रुपए के कैसे लगाना है, इसमें 7 रुपए तक के टारगेट से देखने मिल सकते हैं. ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए इंडस टावर 265 का कॉल लेकर चले. स्टॉक हम कुछ देर पहले ही डिस्कस कर रहे थे, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी तेजी की. रचना जी बताइए FNO सुपरस्टार. जी FNO सुपरस्टार के लिए मैं देना चाहूंगी बजाज फिनसर्व के फ्यूचर्स को. बजाज फिनसर्व के फ्यूचर्स में अभी अभी जस्ट मूवमेंट शुरू हो रही है फ्रॉम 200 पीरियड एवरेज. यहाँ पे 1590 पे अगर ऐसे लगाया जाए और इसको पोजीशन को कैरी करा जाए तो ऊपर वाली साइड पे दिस कैन गो टूवर्ड्स 1610 एंड 1620. ओके, बजाज फिनसर आपका यहाँ पे ट्रेड है बाय. अब चलते हैं सचिन जी के पास 4 का चमत्कार पिक करने के लिए. सचिन क्या पिक कर रहे हैं आप?
विंदर जी, यहाँ पर चार्ट पे मुझे इंडिया मार्ट काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। वीकली मंथली चार्ट पे जिस तरीके से डेटा है, लगभग 3 महीनों से इसी पर्टिकुलर सपोर्ट लेवल के आसपास यू नो ये प्लेस्ड रहा था। एंड जिस तरीके से वीकली चार्ट पे पिछले हफ्ते में एक बुलिश हैमर फॉर्मेशन था, उस हैमर का इस पर्टिकुलर वीकली क्लोजिंग पे कंफर्मेशन आ रहा है, तो मुझे लग रहा है अगला हफ्ता इंटरेस्टिंग होगा इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए। तो यहाँ पर खरीदारी करनी है इंडिया मार्ट के फ्यूचर्स में 28.30 के टारगेट के लिए। एंड स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 26.50 पे लगाना है, बट ये स्टॉप लॉस आपको क्लोजिंग बेसिस पे मेंटेन करना होगा। मुझे लग रहा है एक अच्छे टर्न अराउंड के लिए वेल प्लेस्ड है एंड जल्दी इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट बन सकता है 2810 के लेवल के ऊपर। ओके, चलिए अब पंकज जी के पास चलते हैं मिड कैप फंडा के लिए। पंकज जी बताइए क्या पिक किया। तो देखिए, जो कंपनी मैं रेकमेंड करना चाहूंगा अनुज जी, वो HEG होगी। यहाँ पे हमारा टारगेट प्राइस 2420 का है। आई थिंक ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड की जो इंडस्ट्री है करीब 8 लाख टन की है एंड EAF रूट में या इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में यूज होता है। एंड आगे जाके हमें एक्सपेक्टेशन है कि एक्सक्लूडिंग चाइना अगर आप देखें तो करीब 170 मिलियन टन की कैपेसिटी अगले 5-6 साल में आएगी एंड उसके लिए करीब 2 लाख टन एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट आएगी ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड के। एंड ग्लोबली आपके 5 या 6 बड़े सप्लायर्स हैं जिसमें HEG है, तो और किसी का कोई बहुत बड़ा कैपेसिटी एक्सपेंशन नहीं है। एंड जो बड़े प्लेयर्स हैं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी स्ट्रेस में चल रही है। तो ओवरऑल हमें लगता है कि ये कंपनी के पास में स्पेयर कैपेसिटी है एंड इसमें वॉल्यूम ग्रोथ आ सकता है, प्राइस रियलाइजेशन आगे जाके काफी बेटर हो सकता है। एंड देन अच्छी चीज ये है कि ये ग्रेफाइट एनोड साइड में भी जा रही है जहाँ पे 2000 करोड़ का कैपेक्स कर रही है। तो ऑल इन ऑल इसका जो आउटलुक है काफी ब्राइट लगता है विद टारगेट प्राइस ऑफ 2420। चलिए चारों के चारों ट्रेड्स रिकैप करते हैं फिर आपके लिए। सबसे पहले आशीष बहेती जी ने पिक किया इंडस टावर सस्ता ऑप्शन में। यहाँ पर लेना है आपको 265 का कॉल ऑप्शन। रचना जी ने पिक किया बजाज फिनसर्व फ्यूचर्स में 1590 के स्टॉप के साथ 1610 और 1620 के टारगेट। सचिन के पिक है इंडिया मार्ट, इंडिया मार्ट में 2650 का स्टॉप 2830 के टारगेट। और पंकज पांडे ने पिक किया है HEG। समित चौहान जुड़ गए हमारे साथ। समित गुड आफ्टरनून, बताइए क्या ट्रेड रहेगी आपकी। देखिए इंडेक्स मोस्ट प्रॉब्ली रेंज में रह सकता है बट आपको स्टॉक स्पेसिफिक काफी एक अच्छे मूवमेंट्स मिल सकती है। तो अपोलो हॉस्पिटल यहाँ पे जो एक नियरली 3 हफ्तों का उसने कंसोलिडेशन एक अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन कंप्लीट किया है इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्लस्टर के आसपास, आज सुबह से ही अच्छा ट्रैक्शन है। तो ये डेफिनेटली पोजिशनल परस्पेक्टिव से हमें काफी अच्छा लग रहा है। ऑल्दो यू नो ट्रेडर्स को हमारे हमने यू नो इंट्राडे ऑप्शन में हमने प्रॉफिट बुक करवाया, बट अभी भी अगर कैश में कोई बाय करता है और पोजिशनली 2-3 दिनों का व्यू पकड़ता है तो हमें लगता है कि ये स्टॉक एक अच्छी मूव दिखा सकता है। 60 से 65, 50, 60, 100 के हम टारगेट्स मान के चल रहे हैं। तो अपोलो हॉस्पिटल्स अगर करंट लेवल पे हम बाय करते हैं तो 6290 का यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा और 6600 का इवेंचुअल हम टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये फिलहाल आपके लिए एक अपोलो हॉस्पिटल पर राय, 6600 की तरफ बढ़ने के पूरे पूरे आसार इस स्टॉक में बनते दिखाई दे रहे हैं। इस बीच महिंद्रा लाइफ स्पेसेस, लेकिन एक खबर शाम को आई थी जो बैंगलोर में रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च किया, आई थिंक साउथ बैंगलोर वाले प्रोजेक्ट। होपफुली डिटेल्स आएंगे कि कितना बड़ा है, कितना इन्वेस्टमेंट और कितना लार्जली ये रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे। अच्छा, इस बीच कुछ और ट्रेड्स जो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे जहाँ पर हमने देखा एक अच्छा मोमेंटम कायम है। नेस्ले में एक पुल बैक आता हुआ, ये स्टॉक आपकी स्क्रीन पर रखना चाहिए। और साथ ही साथ टू व्हीलर साइड पर हीरो मोटो कॉर्प भी दरअसल अच्छा खासा मोमेंटम कमा रहा है, लेकिन नेस्ले 2590 के आसपास। कविता जी, क्या ये ट्रेड फेवरेबल है, खरीदेंगी स्टॉक को? या अच्छे वॉल्यूम के साथ मूव बनते हुए दिख रहे हैं। मुझे लगता है अगर इंट्राडे पोजीशनिंग किसी ने की है तो अपनी पोजीशन पे 2580 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। अपसाइड मुझे लगता है 2605-2620 तक के लेवल की तरफ ये बढ़ता हुआ दिख सकता है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अगर पोजीशनिंग बनी है तो अप्रोच करें 2580 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए, तो ये हो गए इस समय नेस्ले इंडिया की कॉल। अब मार्केट ग्रीन में है तो एक काम करते हैं, अभी IPL की बात करते हैं क्योंकि आज से 17वें सीजन की शुरुआत हो रही है। चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में पहला मुकाबला डिफेंडिंग चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स और 3 बार के फाइनलिस्ट रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच में होगा। IPL से ठीक पहले महेंद्र सिंह धोनी
की जगह चेन्नई ने नया कप्तान चुना है, वहीं मुंबई इंडियंस का भी कप्तान बदला गया है और इस बार कई नए नियम भी लागू हो रहे हैं। इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्पोर्ट्स नेटवर्क 18 के ग्रुप एडिटर श्रीनिवास राव जुड़ गए हैं। राव साहब, गुड आफ्टरनून। पहला सवाल बहुत लोग पूछ रहे हैं, क्या इस बार आरसीबी डबल करेगा विमेंस आईपीएल प्लस मेंस आईपीएल, या वो हर बार की तरह बस जैसे कहते हैं कि नहीं, वो प्रॉमिस अ लॉट लेकिन डिलीवर नहीं कर पाएंगे? हाँ, मतलब वो कहने के लिए पोएटिक है कि यू नो मेन विल ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम विमेन, वो पोएटिक जरूर है अगर मैं उस नजरिए से बताऊं, बट अगर मैं स्क्वाड को देखूं तो प्लीज मुझे वो स्क्वाड यकीन नहीं दिलाता है दैट दे आर केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग अगेन दिस सीजन। आई डोंट फाइंड द मिडल ऑर्डर स्टडी। आप विराट को अगर निकाल दीजिए, ग्लेन मैक्सवेल को देखिए आप, वो जिस ऑस्ट्रेलिया के लिए जिस खूबसूरती के साथ वो टाइम एंड अगेन डिलीवर करते हैं, उसकी एक चौथाई भी वो आईपीएल में वो एनर्जी लेके आते नहीं है। रेयरली हैव यू सीन ग्लेन मैक्सवेल डिलीवर, तो वो देखने को मिलता ही नहीं है। तो फाफ और विराट के अलावा मुझे उस बैटिंग ऑर्डर में जो है डेप्थ जो है नई नजर आती है। कैमरून ग्रीन को अभी उन्होंने ट्रांसफर विंडो में लिया है, क्या चेंज कैमरून लाते हैं प्लेइंग 11 में वो देखना पड़ेगा, बट बारिंग दैट मुझे डेप्थ नहीं दिखाई देती है। सो आई एम नॉट रियली गोइंग टू हेज माय बेट्स ऑन, मैं चाहूंगा आरसीबी अच्छा करे और वो विमेन टीम के चैंपियनशिप से इंस्पिरेशन ले, बट क्या वो कर सकते हैं स्क्वाड देख के यकीन नहीं होता। राव साहब, कहां से ज्वाइन करना है आप हमें? पीछे बैकग्राउंड काफी अच्छा लग रहा है। मैं रोड पे हूँ, ट्रैवल कर रहा था, कहीं गाड़ी बाजू लगा दी। अच्छा, तो स्क्वाड किसका अच्छा लग रहा है आपको सबसे ज्यादा? चेन्नई सुपर किंग्स। मैं चेन्नई सुपर किंग्स को वापस टूर्नामेंट फेवरेट बोलने को तैयार हूँ। इनफैक्ट चार टीम जो क्वालिफाई होगी, पहले दो में मैं सीएसके को डालने को तैयार हूँ। और बाय द वे मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि एक्सेलेंट डिसीजन ऑन पार्ट ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स कि उन्होंने ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तानी दी। वो काफी टाइम से उन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि ऋतुराज गायकवाड़ एक फ्यूचर पोटेंशियल कैप्टन बन सकते हैं। वो रविंद्र जडेजा को जब कैप्टनसी दिए थे, फ्रैंकली मैं थोड़ा सरप्राइज हो गया था कि क्या जरूरत थी, बट वो शायद एक्सपेरिमेंटिंग स्टेज में थे, वो देख रहे थे क्या काम करता है क्या काम नहीं कर सकता है। बट मैं बहुत खुश हूँ कि ऋतुराज को इन लोगों ने कप्तानी दी है। उसमें एटीट्यूड, टेम्परमेंट, एक लीडरशिप की जो होनी चाहिए वो दिखाई देती है फ्रॉम अ यंगस्टर्स पर्सपेक्टिव, एक लीडरशिप स्किल है उसमें, और बल्लेबाज तो वो एक नंबर है, कड़क बल्लेबाज है। तो वो सब ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि एक हैंडओवर जो हुआ है दिस टाइम इट इज अ सक्सेसफुल हैंडओवर। अब तो वो समय ही बताएगा कि क्या सीएसके उसका बोनस फायदा क्या उठाता है, बट अगर पूरा ओवरऑल कॉम्बिनेशन ऑफ द स्क्वाड में देखूं, अटैक अगर देखूं, तो बिल्कुल, आई मीन सीएसके इज वन ऑफ माय फेवरेट टीम्स। लेकिन काफी ज्यादा चेंजेस ऑन द कैप्टन्स लेवल देखने को मिलेंगे। एक तो ऋतुराज गायकवाड़ जो ऑफ कोर्स धोनी की जगह ले रहे हैं, हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस से वापस मुंबई इंडियंस को लीड करते हुए दिखाई देंगे, शुभमन गिल गुजरात टाइटंस को लीड करेंगे। तो इज इट यू नो द लास्ट अडू टू ऑल द आइकन्स जो 2008 में हमने देखे थे, इज इट देयर लास्ट हुरा एंड द नेक्स्ट जनरेशन इन ऑल लीडरशिप फॉर्म? जी मैम, अगर आप इसको एक अलग नजरिए से देखें तो आईपीएल का एक टीम वाइज अगर आप स्ट्रगल अगर देख रही होंगी तो वन ऑफ द बिग स्ट्रगल्स इज फाइंडिंग लीडरशिप क्वालिटीज जो आसानी से देखने को नहीं मिल रही है। तो आप कई फ्रेंचाइजीज को देखिए, वो पहले टीम चुनते हैं, फिर उसमें जो सीनियर मोस्ट या सबसे बड़ा नाम होगा उसको उठा के वो कप्तान बना देते हैं, ठीक है। हालांकि आपका जो वे ऑफ गोइंग अबाउट होना चाहिए वो ऐसे होना चाहिए कि आप पहले अपना कप्तान आइडेंटिफाई करें, पहले उसको ऑन बोर्ड ले आए, ऑन द बेसिस ऑफ दैट अपना स्क्वाड आप चुने, ताकि वो कप्तान इज ऑन द सेम पेज एज यू इन टर्म्स ऑफ व्हाट इज द काइंड ऑफ स्क्वाड दैट यू आर आइडेंटिफाइंग। तो आज जो मुंबई इंडियंस ने ये साल किया इन टर्म्स ऑफ हार्दिक पांड्या को वो कप्तान बना के जिस तरीके से वो गुजरात टाइटन्स से लेके आए, आप यकीन मानिए इस बात को, आज से एक या दो साल में मुंबई इंडियंस की ये जो मूव है ये आईपीएल में एक ट्रेंड कहलाएगी और फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एक मूव कहलाएगी, क्योंकि हमने एक लीडर को आइडेंटिफाई किया और उस लीडर को हमने लेके आया। अब वो रिजल्ट तो खैर टाइम ही बताएगा, बट आप देखिए कितनी आईपीएल की टीम से जो एक बेसिक कप्तानी के लिए स्ट्रगल कर रही है। आप आरसीबी की हालत देख लीजिए, जिस दिन विराट कोहली स्टेप डाउन करे आरसीबी के पास इमीडिएट चॉइस नहीं था, वो तो खैर ऑक्शन में उनको फैब डुप्लेसी मिल गए। आप दिल्ली पंजाब
किसी भी और आप फ्रेंचाइज को देख लीजिए, कोलकाता सारे के सारे जो है फ्रॉम अ लीडरशिप परस्पेक्टिव वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो उस हिसाब से धोनी ने जो इनको हैंड ओवर किया है ऋतुराज को, वो मैं कहता हूँ बहुत ही थॉट अबाउट मूव है, बहुत अच्छा मूव है। वो हार्दिक को जो मुंबई इंडियन लेके आया है वो एक पर्सपेक्टिव बेस्ड मूव है, और ये ट्रेंड जो है ये आगे जाके और देखने को मिलेगी। ओके अच्छा राव साहब, मैं एक हमेशा एक तो अपनी टीम चुनता हूँ, मेरी तो मुंबई इंडियंस है ऑब्वियसली क्योंकि हम मुंबई वाले हैं, और एक मैं हमेशा एक टीम चुनता हूँ जो थोड़ी सी डार्क हॉर्स लगे मुझे, तो उसमें मैं राजस्थान रॉयल्स को देख रहा था, स्पेशली कंसिडरिंग जो यशस्वी जायसवाल ने बैटिंग की थी इंग्लैंड के अगेंस्ट और जो उनका बॉलिंग स्क्वाड है, क्या राजस्थान रह सकता है रेस में? और आपकी आपकी चार टॉप टीम्स कौन सी होंगी? जैसे एक तो आपने चेन्नई बोल दी, तो मेरे चार में राजस्थान नहीं रहेगा। वो इसीलिए क्योंकि मेरे को मिडिल ऑर्डर उनका कन्विंसिंग नहीं लगता। जो उन्होंने उनके पास टेवाटिया जैसा बैट्समैन था उनको जाने दिया उन्होंने, अभी उनके पास शिमरन हेटमायर है जो कि वेस्ट इंडियन क्रिकेटर्स को देख लीजिए वो एक लॉटरी की तरह बन गए, चल गए नहीं चले नहीं चले, तो वो कॉन्फिडेंस मुझे नहीं दिख रहा है। मुझे वो कॉन्फिडेंस दिख रहा है इस बार सनराइजर्स हैदराबाद में, तो वो फिल सॉल्ट को ले आए, फिल सॉल्ट मेरे ख्याल से इस बार खिलाएंगे उसको, और वो काफी एक यू नो काइंड ऑफ ब्रिलियंट मूव रहेगा। नया कप्तान है उनके पास, और जो उनकी जनरल स्ट्रेंथ है वो एक कॉम्बिनेशन है वो अच्छी दिखाई दे रही है सनराइजर्स की। तो सीएसके, एमआई, सनराइजर्स, अब मुझे चुनना है चौथा। अब चौथे में मैं जाऊंगा, मेरे पास कौन से ऑप्शंस है, एलएसजी है, गुजरात टाइटंस है और आरसीबी है, ये चार हैं। इसके अलावा केकेआर नहीं, किंग्स इलेवन पंजाब, पंजाब किंग्स नहीं, मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। तो ये तीन में अगर मैं देखूं तो राइट नाउ मुझे जिस तरीके के फॉर्म में निकोलस पूरन चल रहे हैं, केएल राहुल फिट होके आने वाले हैं, वो सारा कुछ देखूं शायद एलएसजी, बट वो चौथे का कॉल मैं एक बार टूर्नामेंट के एक हफ्ते बाद लूंगा। बट तीन तो मेरे सीएसके, मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद। मैं इनफैक्ट सनराइजर्स हैदराबाद पर ही सवाल पूछने वाली थी, कंसीडरिंग उन्होंने वो 20 करोड़ में पैट कमिंस को कॉन्ट्रैक्ट दिया। नहीं मैम, 20 नहीं, 25, 24 करोड़। आई रिमेम्बर इट वाज समवेयर नॉर्थवर्ड्स ऑफ 20 करोड़। वो भूलेंगे नहीं कोई, मतलब लोग आज भी पूछ रहे हैं क्यों व्हाई। तो प्रेशर ज्यादा होगा डिलीवर करने के लिए। डू यू थिंक ही इज गोना विन इट देन, हेल्प विन इट? आई सेड आपको लगता है फिर कुछ तो होगा पैट कमिंस को इतना पैसा देने के लिए कि he can perhaps you know turn around everything in their favor? नहीं, पैसा तो I'm not convinced ma'am. पैसा not just पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क दोनों को भी जो पैसा दिया गया है I'm definitely not convinced. I think it was really over the top. और अब तो वो आपने उनको कप्तानी इसलिए दी है क्योंकि इतने पैसे आप दे रहे हो, ठीक है। पैट कमिंस का T20 में एज अ फॉर्मेट वाइज अगर आप देखें तो कोई बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। हाँ, वाइड बॉल 50 ओवर के हिसाब से उन्होंने अच्छा कर दिखाया, वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है, तो एक जैसे अभी देख लीजिए टीम में उनके ट्रैविस हेड है, तो मैं किसी से बात कर रहा था कि भाई वो ट्रैविस हेड को खिलाएंगे या यू नो व्हाट वाज देयर वाज अनदर ऑप्शन, तो बिटवीन ट्रैविस हेड एंड द अदर ऑप्शन वो किसको खिलाएंगे? अब पैट कमिंस जैसा आदमी तो ट्रैविस हेड को ही खिलाएगा क्योंकि ट्रैविस हेड ने सिंगल हैंडेडली उनको 50 ओवर का फाइनल जीतवा के दिया है, WTC का फाइनल जीतवा के दिया है, तो वो एक कॉन्फिडेंस रहेगा। तो यहाँ वो छोटी छोटी बातों में फर्क पड़ेगी, बट जो उनको जो 24-25 करोड़ मिल रहे हैं, इज इट वैल्यू फॉर मनी? नो मैम, आई डोंट थिंक इट इज वैल्यू फॉर मनी। आप लास्ट मिनट पे आपने एक कॉस्टली प्लेयर को लेके आ गए हो जो बहुत बड़ा नाम है, आपने पैसे फेंके हो और उस पैसे फेंकने के बाद में आपको लग रहा है कि चलो इसको कप्तानी दे देते हैं एंड लेट अस होप फॉर द बेस्ट। आई थिंक इट इज मोर और लेस दैट काइंड ऑफ मूव। आई एम नॉट वेरी कन्विंस्ड, बट हाँ हैविंग सेड दैट मैं पैट कमिंस की काबिलियत पे बिल्कुल मैं डाउट नहीं डाल रहा हूँ। पैट कमिंस तो बहुत बड़ा नाम है। बिल्कुल, एक नहीं ऐसे आपने दो दो दुखती रगों पर हाथ रख दिया वो ट्रैविस हेड का नाम लेकर। आई थिंक किसी को भूलेगा नहीं वो नाम। बिल्कुल बिल्कुल, ट्रैविस हेड हमारे साथ दो दो फाइनल्स में। खैर एनीवे, आखिरी सवाल, पर्पल कैप ऑरेंज कैप, अगर आपको बेट करना हो तो कौन से प्लेयर्स? सो ओके, मैं अभी राइट नाउ जिस मैं आई एम प्योरली गोइंग टू गो बाय फॉर्म, ओके।
मुझे जसप्रीत बुमराह और यशस्वी जायसवाल, ये दो है। ओके, ये दो है बिल्कुल 100%। चलिए राव साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आईपीएल के बीच बीच में आपसे बात करते रहेंगे, थोड़ा सा स्टेटस चेक करते रहेंगे। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू, हैप्पी आपका सेफ ट्रेवल्स जहाँ पर भी आप हैं, और फिर बात करेंगे आपसे दोबारा। थैंक यू। एक्चुअली लग रहा है किसी नेशनल पार्क के आसपास है, हाँ, है ना, जिस तरह से वो ट्रैफिक पीछे से जा रहा था, और काफी इलेक्ट्रिक बसेस भी जा रही थी पीछे, तो मतलब खैर एनीवे, तो आईपीएल की शुरुआत होगी, एक ऐसी चीज जो सबको एक साथ जोड़ती है इस पूरे देश को। अच्छा, आईपीएल का एक और चीज बताऊं मैं आपको हर्षदा, कि आईपीएल का जो स्पोर्ट्स कहने के नाम पे स्पोर्ट्स है, लेकिन अब ये बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है। और पिछले सीजन, फॉर एग्जांपल पिछले सीजन के मैं नंबर्स देख रहा था, 43,000 करोड़ मिनट्स, 50 करोड़ लोग, और कई गेम थे जहाँ पर 3 करोड़ से ज़्यादा कॉन्करेंट व्यूज थे, ठीक है ना। आज सुबह हमने बात की एंजल ब्रोकिंग के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, 400 करोड़ उन्होंने दिए उन्होंने सिर्फ एक एसोसिएट स्पॉन्सर बनने के लिए, ठीक है, और 5,000 करोड़ रुपये के रेवेन्यू तक बीसीसीआई पहुँच चुका है। एक एक टीम, मुझे याद है जब पहला आईपीएल ऑक्शन हुआ था तब टीमें बिकी थी $70 मिलियन, $80 मिलियन, मुझे लगा था इतना वैल्यूएशन आज की डेट में कोई भी आईपीएल टीम $1 बिलियन से कम की नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़, सिर्फ 2 कंपनियां हैं जो टेक्निकली लिस्टेड कंपनियों में, एक तो आरसीबी वो यूनाइटेड स्पिरिट्स के उसमें, और एक सनराइजर्स हैदराबाद वो सन टीवी के उसमें, एक आधी टीम आप अगर जोड़ना चाहें तो वो आरपी संजीव गोयनका ग्रुप की कंपनी। तो ये इंडिया सीमेंट्स में तो अनफॉर्चुनेट, मैं ये कह रहा हूँ कि अगले 4-5 साल में ना, मुझे लग रहा है कि ये स्पेस में बहुत बड़े बड़े आईपीओज आएंगे, बहुत और तगड़े आईपीओज आएंगे, तो ये स्पेस में खैर काफी पैसा बनने वाला होगा ना अनुज, 100%, क्योंकि आप यूरोपियन लीग में देखते हैं कि टीम का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा और स्टॉक कैसे ट्रेड कर रहा है। नहीं, वो जैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड लिस्टेड है, ऐसे कितनी सारी कंपनियां हैं जो लिस्टेड है। खैर एनीवे, आप किसको बेट कर रहे हैं अर्शिता? अब मुंबई, मुंबई मैं एक्चुअली देखना ये चाहती हूँ कि ऋषभ पंत का परफॉर्मेंस कैसा है। आई नो वो, लेकिन कंसीडरिंग ही इज कम बैक फ्रॉम दैट हॉरिफिक एक्सीडेंट, तो उन पे नजरें रहेंगी, और ऑफ कोर्स ये वो दिल्ली कैपिटल्स को आई थिंक सो, हां सो, तो उनका परफॉर्मेंस कैसा रहता है, एंड अनुज इन सबसे फिर पता लग जाएगा ना कि हमारी T20 के लिए टीम की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, क्योंकि जून में फिर T20 वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है। बिल्कुल, देखिए सब इतने अलग अलग लोगों के मैसेज ऑलरेडी आ गए, सब अपनी टीम को बैक कर रहे हैं, 100% बैक करना भी चाहिए। हम मुंबई वाले हैं तो हम मुंबई को बैक करेंगे। वीरू, आपने पार्टिसिपेट नहीं किया इस डिस्कशन में, वैसे क्या आप थोड़ा सा नाराज है इस बार क्रिकेट से? नहीं, मैं सिर्फ फाइनल और सेमीफाइनल देखता हूँ। पिछला फाइनल देखा था रात को 2:30 तक, सिर्फ फाइनल सेमीफाइनल, और सेमीफाइनल और फाइनल वाकई मतलब वो अद्भुत मैच था, वो फाइनल मैच जब एक सेकेंड लास्ट बॉल पर जडेजा ने छक्का मारा था और उसके बाद आखिरी बॉल पर वो लेग में चौका गया था, वही मैच देखा था मैंने। मैं ज़्यादा आईपीएल देखता नहीं हूँ। मैं भी खैर आईपीएल ज़्यादा देखता नहीं हूँ, लेकिन इस बार थोड़ा मन है देखने का, तो देखते हैं कि इस बार कैसा रहता है आईपीएल। खैर, लेकिन अब हर्षद आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, और इनफैक्ट 3 बज गए, तो आई एम गेसिंग देवेंद्र चौकसी भी एकदम तैयार होंगे। उससे पहले एक बार मार्केट पर नजर डाल लीजिए, क्योंकि हम डे हाई पर लगभग पहुंच ही गए हैं, बस 5 पॉइंट और हम 22,118 पर होंगे। फिलहाल 22,114 के आसपास ट्रेड होता हुआ, अच्छा 22,180 था जब वो आईपीएल की डिस्कशन चल रही थी, उस समय हम 22,180 तक गए थे, और मुझे ऐसा लग रहा था कि उस समय हम वो 22,200 निकाल लेंगे। मुझे एकदम से ऐसी फीलिंग आ रही थी कि 22,200 निकल जाएगा, लेकिन उसके बाद एकदम से मार्केट में लास्ट के कुछ मिनटों में थोड़ा सा मार्केट में डिक्लाइन आई हर्षदा, उसकी वजह से ये थोड़ा सा नीचे आ गया, थोड़ा ITC, थोड़ा सा इन्फोसिस वापस उन पर थोड़ा सा प्रेशर आया इसकी वजह से, लेकिन ठीक है मामला। 22,128 पर हैं हम। बैंक निफ्टी बार बार वो 46,850, 46,900 पे जाके थोड़ा सा अटक रहा है, तो वो थोड़ा सा आई थिंक दिक्कत वाला मामला है। चलिए देवेन को जोड़ें, इससे पहले एक दो स्टॉक्स का और चार्ट चेक ले लेते हैं। एक बार बात करते हैं हीरो मोटोकॉर्प की, क्योंकि ये स्टॉक अब वापस एक मोमेंटम में आ रहा है। ध्यान रखिएगा, इसने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया बजाज ऑटो को, मतलब अंडर परफॉर्म इन द सेंस कि नॉट एब्सोल्यूट टर्म्स, लेकिन बजाज जितना चला उसके मुकाबले। गावा सर, हीरो मोटोकॉर्प कैसा लग रहा है चार्ट पर? काफी इनफैक्ट एक अर्ली मॉर्निंग में एक बूम मिला था हिंदू हीरो मोटर्स में,
अब थोड़ा मेरे ख्याल से 4800 पॉसिबल है, उसके बाद 4870 भी पॉसिबल है, लेकिन वो ट्यूजडे वेनेसडे थर्सडे होगा। स्टॉप लेना ले जाए तो बीटीएसटी भी स्टॉप पर ले जा सकते हैं, सिर्फ एक स्टॉप लगाना पड़ेगा 4630 का, कंटिन्यू ट्रेड लॉन्ग। लेकिन आज के लिए लगता है मूव मुझे खत्म हुआ हीरो मोटर्स का, लेकिन बाय मोड पर है डेफिनेटली हीरो मोटर्स। ओके, बाय मोड पर है। चलिए अब एक काम करते हैं, अब देवेन चौकसी को जोड़ लेते हैं हमारे साथ, उनसे जानते हैं कि इस समय क्या करना चाहिए मार्केट में, क्या करेक्शन खत्म हुई, क्या यहाँ से मिड कैप स्मॉल कैप वापस आउट परफॉर्म करेंगे, या इस समय अभी सिर्फ लार्ज कैप में रहना चाहिए। देवेन जी गुड आफ्टरनून। पहला सवाल, मिड कैप और स्मॉल कैप में इतनी बड़ी करेक्शन के बाद और उससे पहले जितनी बड़ी रैली के बाद अब क्या व्यू बन रहा है, क्या सेलेक्टिवली स्टॉक्स पिक किए जाएं या अभी थोड़ा सा लार्ज कैप में रहा जाए? गुड आफ्टरनून अनुज। आई थिंक डेफिनेटली आई वुड प्रोबेबली सजेस्ट कि फंडामेंटल जो कंपनीज के अंदर स्ट्रेंथ है और जहां पे प्राइस करेक्शन साथ में आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उन्हें आपके पोर्टफोलियो में लाने की ज़्यादा आप चेष्टा करें, क्योंकि आई थिंक जो मोमेंटम ड्रिवन मिडकैप स्टॉक्स हैं उनके जो वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है वहां पे शायद आई थिंक हमारा कंफर्ट पहले भी नहीं था और आज भी नहीं है। वी बिलीव दैट आई थिंक सम ऑफ द वेरी गुड क्वालिटी स्टॉक्स आर अवेलेबल इन से फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल एंसिलरी, से फॉर एग्जांपल इन मिडकैप आईटी ईआरएनडी स्पेस, जहां पे करेक्शन के साथ में आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने की। तो ये सब एरियाज आई थिंक हमें ज़्यादा पसंद है। वी विल प्रॉबेबली लुक एट आई थिंक कंपनीज ऑन अ मैरिट बेसिस इन स्मॉल एंड मिड कैप्स, वहाँ पे आई थिंक इंडिविजुअल कंपनीज के जो फंडामेंटल और पोटेंशियल है उसके साथ में हम जुड़े रहना चाहेंगे। ज़्यादातर बदलाव हमारे पोर्टफोलियो के अंदर नहीं आया है ये मार्केट के अंदर करेक्शन के अंदर। वी कंटिन्यू टू रिमेन एटलीस्ट 60-70% ऑफ पोर्टफोलियो एक्सपोजर वी कंटिन्यू टू कीप इन द लार्ज कैप स्टॉक्स, क्योंकि हमें ये पसंद भी है और एट द सेम टाइम हम समझते हैं कि ये लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर जो सिलेक्टिव कंपनीज हमने चुन के रखी पोर्टफोलियो के अंदर उन्हें में एक विश्वास है कि यहाँ पे हर 3 या 3.5 साल के अंदर बिजनेस डबल हो रहा है इन सम ऑफ द कंपनीज। सो डेफिनेटली आई थिंक दैट गिव्स अस कॉन्फिडेंस दैट आवर पोर्टफोलियो आल्सो विल साइमल्टेनियसली गेट इंक्रीज बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर ऑफ द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इन सम ऑफ द लार्ज कैप कंपनीज। सो वी बिलीव दैट वुड बी आई थिंक अ वेरी सेफ एंड प्रूडेंट स्ट्रेटेजी फॉर द पोर्टफोलियो ऑफ ऑल इन्वेस्टर्स। देवेन नमस्कार, वीरेंद्र बोलो डेली स्टूडियो से। कुछ ऐसी एक दो एक स्टोरी से बातचीत करते हैं जो कि मार्च और फरवरी में काफ़ी अच्छी रही हैं। आई मीन मैं पिडलाइट पर बात करता लेकिन उससे पहले मैं कैपिटल गुड्स पे आना चाहूँगा। इस बार एलएनटी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मूव एबीबी ने दिया, एलएनटी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मूव इस बार कमिंस ने दिया, कमिंस एट ऑल टाइम हाई, और मेरे ख्याल से मात्र जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने में ये स्टॉक लगभग 2000 से 3000 की रेंज में। कैपिटल गुड्स में एक मेजर शिफ्ट इस बार मिड कैप वाली कंपनियों में रहा या फिर सेकंड लाइन वाली कंपनियों में रहा, आपकी प्रेफर पिक क्या है देवेन इस वक्त कैपिटल गुड्स में? तो गुड आफ्टरनून विनर, वेल आई थिंक एबीबी की जैसे आपने बात की, हमें कम लगभग 5 या 6 साल से कंपनी के पोर्टफोलियो के अंदर इन्वेस्टेड है, वहां पे हमने 2-3 चीज देखी थी शुरुआत के समय के अंदर। दे वर ऑल्सो काउंटिंग दिस पॉसिबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर लेट स्पेंडिंग बाय द गवर्नमेंट, बट अर्लियर टू दैट आई थिंक दे वर लुकिंग एट क्लीनिंग अप देयर बैलेंस शीट। उनकी बैलेंस शीट एबीबी इन पर्टिकुलर जो नॉन परफॉर्मिंग इन्वेंट्री थी उन्होंने जो क्लीन की, उसके बाद में जो इंफ्रास्ट्रक्चर लेड नए ऑर्डर्स आने शुरू हुए हैं उसके साथ में दिस कंपनी इज नाउ गेटिंग फैंटास्टिक विजिबिलिटी ऑफ नॉट ओनली 1 or 2 years बट आई थिंक फॉर 8 to 10 years, एंड दिस कंपनी इज नाउ गेटिंग वेरी वेल पोजिशन इवन इन द एरियाज ऑफ रिन्यूएबल। I guess I think this company is basically getting very well positioned with the variety of product portfolios that they have. So, एक तरफ जो products portfolio के अंदर margin कम थे उसपे से ये company ने अपना inventory write off करके निकाल दिया था पिछले सालों में, और अभी जो नए orders आ रहे company के अंदर हमारा ऐसा समझना है they are basically taking some of the high value added orders including ABB Global की भी आप commentary समझे तो उन्हें भी इंडिया के ऊपर जो weightage दिया है particularly I think with the new products portfolio, मेरा ऐसा समझना है कि I think this particular company will remain definitely I think very strong play. Of course I think from the price point of view it has appreciated, valuations are not as cheap as they were earlier looking at, but the deep value philosophy रखते हैं तो अगले 8 या 10 साल का direction call लेके चलते हैं तो कोई भी कारण से market पे correction आता है price में then this kind of companies would become imperative to buy into the portfolio.
देवेंद्र, सरकारी कंपनियों में रीसेंट करेक्शन हुआ और उसकी खूब चर्चा भी हुई है, लेकिन इस पूरे पॉकेट में डिफेंस कंपनियों पर मैं आपकी राय लेना चाहूंगी, क्योंकि आज सुबह में मैं गार्डन रीच बिल्डर्स के मैनेजमेंट से बात कर रही थी और उन्होंने एक चीज कही कि आगे काफी कॉम्पिटिटिव बिडिंग नेवल प्रोजेक्ट्स के लिए होगी। दूसरे जो ऑफकोर्स एफओस के लिए बीडीएल बिड करता है या फिर हैल बिड करता है, वहां पर काफी अग्रेशन देखने को मिलेगा। तो अपॉर्चुनिटी ढेर सारी है, अब नंबर्स में वो कितना डिलीवर हो पाएगा विल हैव टू वेट, लेकिन क्या आप इन लेवल्स पर इन स्टॉक्स में पैसा लगाना चाहेंगे, चाहे वो शिप बिल्डिंग कंपनियां हो या फिर आपका प्योर प्ले जो हैल है? तो हर्षदा, आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई थिंक दैट यू ब्रॉट आउट एंड दिस इज वैलिडेटिंग माय अर्लियर व्यूज आल्सो ऑन दिस सब्जेक्ट। जो डिफेंस का कारोबार है उसके अंदर बिकॉज द गवर्नमेंट इज द लार्जेस्ट बायर और द सोल बायर इन मोस्ट ऑफ द केसेस, द सिचुएशन टुडे इज दैट आई थिंक दे विल बी ऑलवेज आस्किंग फॉर एंड दे विल बी ऑलवेज माइंडफुल ऑफ पेइंग द प्राइस टू दिस कंपनीज, सो द मार्जिन आर ऑलवेज गोइंग टू बी कॉम्पिटिटिव। एट द सेम टाइम जो डिफेंस का कारोबार है उसके अंदर जो पहले एक समय ऐसा था कि आई थिंक ओनली वन और टू कंपनीज वुड बी आई थिंक बिडिंग फॉर द कॉन्ट्रैक्ट्स, now the bidders are increasing because of the private sector participation in many companies cases, we are observing that the order book is being very very competitively I think bidded, and that is where main samajhta hu ki I think margin itna nahi kamane milega. HLGC company definitely I think remains I think very very strong candidate, but mera aisa manna hai ki uska valuation aaj ki tarikh mein adequate hai, fair price ke upar trade kar raha hai stock, लंबे अर्से के लिए विजिबिलिटी मिल रही है नई ऑर्डर बुक के साथ में, बट फिर भी ये ट्रेड प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। वील हैव टू लुक अराउंड फॉर सम ऑफ द एंसिलरी प्लेयर्स इनटू द डिफेंस सेगमेंट कि जहाँ पे आपको शायद अपॉर्चुनिटी बेटर मिल सके। वन कंपनी विच वी हैव ऑलवेज लाइक्ड इन द डिफेंस प्ले विच इज इन प्राइवेट सेक्टर विच इज सोलर इंडस्ट्रीज, ऑफकोर्स द स्टॉक प्राइस हैज एक्चुअली मूव्ड अप वेरी सिग्निफिकेंटली, बट मैंने जैसे पहले भी एक व्यू रखा था कि मार्केट में जब भी कोई करेक्शन आता है, कोई भी टेक्निकल करेक्शन आता है, कोई भी कारण से करेक्शन आता है, तो सम ऑफ दिस कंपनीज विच वी हैव आइडेंटिफाइड दे वुड प्रोबेबली बिकम नेचुरल बाय अपॉर्चुनिटी टू ऐड इनटू द पोर्टफोलियो। सो वी आर सिलेक्टिव एज ऑफ नाउ, आई थिंक नो हरी टू ऐड मेनी स्टॉक्स इन द पोर्टफोलियो, मे बी आई थिंक सम एंसिलरी प्लेयर्स इफ वी डू आइडेंटिफाई इन अ सब्सिक्वेंट पीरियड ऑफ टाइम विच वी आर करंटली रिसर्चिंग ऑन, मे बी आई थिंक उसके अंदर शायद अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है, ऐसा मेरा मानना है। आईटीसी पर आपकी क्या राय रहेगी, कंसिडरिंग वो बैट के स्टेक सेल का ओवरहैंग जो था वो भी अब हट गया है, क्या फिर पोजीशंस लेना शुरू करेंगे आईटीसी में या है? या वी कंटिन्यू टू होल्ड पोजीशन इन आईटीसी एंड वी वुड लव टू कीप इट आई थिंक इन आवर पोर्टफोलियो, एंड आई थिंक दिस इज द प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी दैट वन इज गेटिंग, व्हाटएवर द ओवरहैंग वाज देयर आई थिंक इट इज गॉन आउट। मे बी अगले छः महीने के बाद जब भी वापिस आई थिंक एक बार एक पॉसिबिलिटी हो सकती है बैट को बेचने के लिए अपना स्टेक। अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक द पार्टिसिपेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टर इन टू सच काइंड ऑफ प्रोफेशनली रन कंपनीज वुड बी एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज दिस फाइनेंशियल इन्वेस्टर हु ब्रिंग देयर क्वालिटी इन्फ्लुएंस इन टू द कैप थ्रू द कैप टेबल, और उसके हिसाब से आई थिंक ये कंपनी के अंदर ग्रोथ अच्छा बनता है। If you look at each of the verticals, be it agri verticals, be it FMCG verticals, paper and paperboard vertical, or hospitality vertical, IT vertical, in each of these verticals, according to me, I think this company is very well positioned. And जो पहले का एक समय था कि जिसके अंदर हर vertical को main unit, cigarette unit would be contributing towards them, today I think the situation has to a greater extent I think stabilized. And most of the verticals are generating their own cash, and expansion programs are also being carried out. So we remain very comfortable with ITC in the portfolio. Devin, अब आते हैं ऑटो में, फ्रंट लाइन में और स्पेशली पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में। मैं तीन स्टॉक्स को लेता हूँ यहाँ पे, M&M, मारुति और टाटा मोटर्स। M&M को इनफैक्ट ये पूरी ड्यूरेशन पोस्ट कोविड की, आई मीन 21, 22, 23 बिलोंग करता है, आई मीन क्या गजब का मूव दिया इसने। इनका प्रोडक्ट लॉन्च बहुत स्ट्रॉन्ग रहा था उस ड्यूरेशन में। CY23 बिलोंग करता है टाटा मोटर्स को, जो कि ऑलमोस्ट डबल हो गया, इंडेक्स का बेस्ट स्विंग प्रोवाइडर था। क्या ये पिछले कुछ सालों की जो अंडर परफॉर्मेंस थी मारुति वर्सेस M&M, मारुति वर्सेस टाटा मोटर्स, वो अब बाजार उस डिफरेंशियल को प्ले करने की कोशिश कर रहा है? आपका मारुति पे क्या व्यू है, और क्या इस साल का बेस्ट ऑटो परफॉर्मर
ये हो सकता है क्या जो परफॉर्म करके दे इस बार? तो मारुति कंटिन्यूज टू रिमेन अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग प्रपोजिशन, 50% से ऊपर का मार्केट शेयर उनका चालू ही है, एंड द वे इन विच दे स्मार्टली शिफ्टेड इनटू द वैल्यू एडेड और मे बी आई प्रीमियम प्रोडक्ट्स, आई गेस आई थिंक दैट हैज स्टार्टेड गिविंग देम अ बेटर लीवर फॉर द मार्जिंस, एंड मेरा ऐसा मानना है कि मारुति विल कंटिन्यू टू एंजॉय दैट सिचुएशन फॉर अ गुड पीरियड ऑफ टाइम. आई एम नॉट कम्प्लीटली श्योर अबाउट, आई थिंक इन सम ऑफ द मॉडल्स कि जहाँ पे इंपोर्ट कंपोनेंट डिपेंडेंसी है वहाँ पे करेंसी फ्लक्चुएशन की क्या इम्पैक्ट आ सकती है, मुझे ऐसा क्लियर हैंडल नहीं मिल रहा उसके ऊपर, बट ऑन अदरवाइज आई थिंक द कंपनी ऑन द सेल्स एंड द बिजनेस फ्रंट आई थिंक शुड लुक आई थिंक क्वाइट क्लियर फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव. मे बी आवर चॉइस हैज रिमेंड, फर्स्ट चॉइस हैज रिमेंड विद टाटा मोटर एंड वी कंटिन्यू टू होल्ड दैट व्यू, क्योंकि हम ऐसा समझ के चलते हैं कि जो कमर्शियल व्हीकल का कारोबार है टाटा मोटर्स का, वो कारोबार की एक अच्छे ग्रोथ फेज की शुरुआत अभी हुई है, एंड मे बी अगले 3 या 5 साल के अंदर आपको एक सिग्निफिकेंटली शार्प ग्रोथ ये कारोबार में से मिल सकता है बिकॉज ऑफ वेराइटी ऑफ रीजन्स. ऑफकोर्स इकोनॉमी मनी इज बीइंग स्पेंट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, PLI स्कीम इज आस्किंग फॉर मोर अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कमिंग इन टू द इंडस्ट्री, स्क्रैपेज पॉलिसी इज गिविंग द हायर डिमांड, एंड ऑल्सो द रूरल इकोनॉमी जो ग्रो कर रही है बिकॉज ऑफ द रोड कनेक्टिविटीज. मैं ऐसा समझता हूँ कि टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल पोर्टफोलियो विल रिमेन वेरी स्ट्रॉन्ग प्रपोजिशन. इन पैसेंजर व्हीकल पोर्टफोलियो आई गेस आई थिंक ऑल इक्वेशंस आर वर्किंग इन फेवर बिकॉज ऑन वन साइड द कॉस्ट इज डाउन, ऑन अदर साइड द डिमांड कंपोनेंट इज हायर, एंड द कंपनी इज इंट्रोड्यूसिंग न्यूअर व्हीकल्स विच इज बेसिकली आई थिंक फाइंडिंग गुड अमाउंट ऑफ एक्सेप्टेंस इन द मार्केट. आई वुड रिमेन डिस्टिंक्टली पॉजिटिव अबाउट टाटा मोटर्स नाउ एज वेल एज इन फ्यूचर गोइंग फॉरवर्ड. देवेन, टेक्नोलॉजी में कब पोजीशन लेना शुरू करेंगे, क्योंकि इंफोसिस अब 1500 पर है, TCS 4000 के नीचे फिर दिखने लगा है? तो हर्षदा, आई थिंक ज्यादातर प्रेफरेंस हम LTTS, साइन टेक्नोलॉजी, टाटा एलेक्सी के ऊपर ज्यादातर हम लोग ध्यान देते हैं. आई थिंक ये तीनों स्टॉक के अंदर टू ए सर्टन एक्सटेंट आई थिंक वी आर कंफर्टेबल मोर बिकॉज ऑल्सो द फैक्ट दैट they all operate in their niche segment as far as the customer segment is concerned, the verticals are concerned. So each of these companies have a distinct advantage over there. Dusra, Tata Elxsi jaisi company ke andar kareeban 2 saal se almost market ne ek acha correction bhi diya hai. So now the valuation wise, I think it is probably becoming slightly more affordable than it was 2 years back when I think it was trading at a significantly high forward premium basis. Today, I think that has come down. तो मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक कंपनीज लाइक टाटा एलेक्सी वुड रिमेन आई थिंक अ बेटर चॉइस टू बाय इनटू द पोर्टफोलियो टुडे, इंक्लूडिंग कंपनीज लाइक LTTS एंड साइन टेक्नोलॉजी, वेयर वी बिलीव दैट आई थिंक ईच ऑफ दिस कंपनीज आर टॉकिंग अबाउट एटलीस्ट 25% रेट ऑफ ग्रोथ ऑन अ ईयर ओवर ईयर बेसिस, दैट विजिबिलिटी इज अवेलेबल, एंड आई थिंक बिकॉज ऑफ द निश प्ले दे प्रोबेबली हैव रिपीटेटिव बिजनेस कमिंग फ्रॉम देयर कस्टमर्स. सो वी प्रीफर आई थिंक दिस काइंड ऑफ कंपनीज इन द पोर्टफोलियो. Top-down companies like Infosys and TCS, they are good. I'm not saying no to that. But percentage-wise, growth is coming better in these 2-3 companies which we are following, actually, having in our portfolios. Okay, Devin, बहुत-बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए. आपको होली की बहुत-बहुत शुभकामनाएं. Have a good weekend. Thank you, Anuj. Wish you all very happy holiday as well. Thank you so much. चलिए अब एक काम करते हैं, BTSC कॉल लेते हैं, फिर स्ट्रेटजी पर आएंगे. गाबा सर बताइए क्या कैरी करेंगे. गुड आफ्टरनून टू यू वंस अगेन. स्टॉक का नाम है आई थिंक भारत फोर्ज, जो शायद आपने कल या परसों शाम को डिस्कस किया था. यहाँ पर रेसिलियंस है, डाउनसाइड लिमिटेड है, जगह अच्छी है बाउंस करने की, और 1100 जो बाउंस एरिया है बढ़िया जगह है. ट्रेड कर रहा है 1129 पर. 1160-1170 ये एक जोन है, मेरे ख्याल से वहां तक जाना चाहिए. स्टॉप होगा 1110 का. भारत फोर्ज सेफ स्टॉक, स्लो लो बीटा, स्लो मूवर बट सेफ. ओके, स्लो मूवर लेकिन सेफ. आशीष बहेती, आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी, M&M फाइनेंस में खरीदारी की सलाह रहेगी. अच्छा मोमेंटम बन रहा है स्टॉक में और स्टॉक अपना 20 DMR रीगेन करने के लिए फुल तैयार है, तो हमें लगता है 269 का स्टॉप लॉस लगा के इसमें पोजीशन नहीं जा सके और टारगेट ऑफ 279 के टारगेट्स के लिए. ओके, आपका ट्रेड यहां पे आशीष बैठी जी का. आप चलते हैं सचिन जी के पास. सचिन, आप क्या पिक करेंगे? वीरेंद्र जी, यहाँ पर एक लॉन्ग शॉट ही होगा. एक लॉन्ग तो ऑलरेडी कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो शॉर्ट्स पे मुझे लग रहा है यहाँ पर हेवल्स का स्ट्रक्चर काफी वीक रहा है.
एंड अभी भी जिस तरीके से डेटा है 1500 के आसपास रेजिस्टेंस काफी एविडेंट था, वही से एक वापस यू टर्न लिया है काउंटर ने, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट्स जरूर कैरी फॉरवर्ड करने चाहिए 1485 के स्टॉप लॉस के साथ। एक से दो दिनों में मुझे लग रहा है ये वापस 1450 से 1455 के आसपास के स्विंग्स बना सकता है। सो शॉर्ट पोजिशन इन हेवल्स, शॉर्ट पोजिशन इन हेवल्स। कविता जी आप क्या पिक करेंगे? सो अनु जी आईटीसी को लेकर जाया जा सकता है, 428 का क्लोजिंग दिया है काउंटर ने और द प्राइस टारगेट ऑफ 435-445 आईटीसी पर एक बीटीएससी ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, 423 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए आईटीसी में मौका। समित आपका ट्रेड? देखिए अर्षदा टोरेंट पावर के साथ जाना चाहेंगे, ओवरऑल अगर हम देखें तो ये स्टॉक में काफी एक स्ट्रेंथ मेंटेन की है, जो लास्ट दो हफ्ते से ब्रॉडर मार्केट में थोड़ा डिस्ट्रक्शन था ये स्टॉक ने ज्यादा पार्टिसिपेट वो करेक्शन किया नहीं, थोड़ा कंसोलिडेशन और वापस जो उसकी हायर डिग्री ट्रेंड है वो रिज्यूम कर रहा है, तो इनहेरेंट स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है, तो इसलिए थोड़ा आप ब्रॉडर मार्केट में यहाँ पे रिस्पाइट देख रहे हो तो हमें लगता है कि ये स्टॉक आउट परफॉर्म कर सकता है, तो इसलिए बीटीएसटी कैंडिडेट ये बन सकता है, लगभग 1350-1360 के टारगेट्स के लिए इसको बीटीएसटी का कैंडिडेट हम मान के चल रहे हैं, तो अगर बाय करते हैं तो यहाँ पे स्टॉप लॉस 1244 का होगा और एज आई सेड 1360 का उसका इमीडिएट टारगेट है। ओके तो यहाँ पे सारे बीटीएसटी ट्रेड्स पूरे हो चुके हैं, अब बातें हैं रणनीति पर, जरा इंडेक्सेस के लेवल स्क्रीन पे लेके आइएगा 22086-46852। निफ्टी आईटी की जो रिकवरी थी थोड़ी सी अगर आप देखें उस पर डेंट फिर पड़ा है और वो रिकवरी करीब करीब 100 अंक और सिंक हुई है। अनुज एक दिन की छुट्टी, सोमवार को कारोबार बंद रहेगा, थोड़ा सा आखिरी के 20-25 मिनटों में इंडेक्स में बैलेंसिंग फिर हुई, आई थिंक वो जो रिस्क रिड्यूस करने की फैक्टर वो स्क्रीन पर नजर आ रहा है, अनुज 100 अंक नीचे आया निफ्टी हायर लेवल से, बट इस क्लोज को कैसे रीड करेंगे और इस प्राइस पर व्यू क्या होगा ट्यूजडे मॉर्निंग के लिए? वीरू अगर ये सवाल आपने मुझसे 15 मिनट पहले पूछा होता तो मैं 100% कहता कि लॉन्ग पोजीशन कैरी करिए, लेकिन लास्ट के 10 मिनट में क्लोज खराब हुआ है, 100% क्लोज खराब हुआ है, लास्ट के एक घंटे में करीब 100 पॉइंट निकाल दिए हमने, ये स्क्रीन पर देखिए आप 22180 का हाई था, 22080 के आसपास आ गए, 100 पॉइंट निकल गए देखते देखते निफ्टी के, तो मैं यही कहूँगा कि आप न्यूट्रल जाएँ इस मार्केट में। वैसे भी न्यूट्रल जाने का एक और रीज़न ये भी है कि 3 दिन का वीकेंड आ रहा है, होली इन्जॉय करिए अपनी, और एक और रीज़न है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों कंजेशन जोन में बंद हो रहे हैं, हमने जब शो की शुरुआत की थी तो बोला था कि कहने को छोटा सा 22150 से 22200 का जोन है लेकिन बहुत टफ रेजिस्टेंस है यहाँ पर और ये घूम गया, और इवन निफ्टी बैंक भी अगर आप देखें बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस के आसपास बंद हो रहा है 46900, 2 दिन का हाई वीरो सेम है, यहीं पर 2 दिन हाई लगा, आई थिंक कल का 46990 था और उसके आसपास आज 46974, तो अब मुझे लग रहा है कि आप 47000 क्रॉस होने दें और निफ्टी में 22200 निकलने दें, उसके बाद ही एक फ्रेश मुझे लग रहा है थ्रस्ट जनरेट होगा, शॉर्ट नहीं करना है मार्केट में क्योंकि शॉर्टिंग काफ़ी हो चुकी है ऑलरेडी और मार्केट अभी दिखा रहा है कि वो लोअर लेवल प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार है, तो शॉर्टिंग तो खैर बिल्कुल नहीं करनी है लेकिन लॉन्ग लेके जाने में मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा रिस्क है, इसके लिए ट्यूजडे को एक फ्रेश व्यू लेंगे बिल्कुल। ओके तो यहाँ पे थोड़ा बाजार ने रिस्क रिड्यूस किया और आपको रिस्क नहीं कैरी करना है इस लंबे वीकेंड के लिए और न्यूट्रल जाइए, ठीक है अच्छी बात है। अगर आप भी देखिए आज भी स्क्रीन पीरियड अच्छा मिला, कल भी स्क्रीन पीरियड अच्छा मिला, तो जब बाजार इंट्राडे में अपॉर्चुनिटी दे रहा है तो क्यों बेफिजूल अगर आप देखें तो आप रिस्क कैरी करें। माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पर जरा एक बार आते हैं स्टैट्स को, डेरिवेटिव स्टैट्स को देखते हैं कि प्लेसमेंट कैसी थी, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा भी कि इन डिजिट्स को देखने का थोड़ा नज़रिया बदल जाएगा क्योंकि अब हो रही है अनवाइंडिंग करंट मंथ में और वो अनवाइंडिंग लॉन्ग की भी होगी और शॉर्ट कवर की भी होगी। अब आज के इस सबसे बड़ी चीज़ यह है शॉर्ट कवर 96 और लॉन्ग्स थे करीब 24, अब करंट मंथ को भी ये 24 गिनेगा लेकिन वो आपको कम दिखाई देगा। अब आते हैं स्टैट्स पे, आई मीन 24 लॉन्ग थे, 96 शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट 14 और लॉन्ग अनवाइंडिंग 50 पे। अब आते हैं एक एक करके स्लाइड्स पे, स्टॉक्स को देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले लॉन्ग कहाँ पे था, इंडस टावर, मारुति एट ऑल टाइम हाई, हीरो मोटोकॉर्प, तो ऑटो की बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रही आज एंड स्पेशली मारुति, सुबह से ही फर्स्ट टेक से अगर आप देखें स्ट्रेंथ थी, सन फार्मा, आज फार्मा स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा खासा मूव था, डॉक्टर लाल पैथ लैब 3% ऊपर रहा,
शॉर्ट कवरिंग वोडाफोन आइडिया में, लॉरस लैब, यूपीएल, अपोलो हॉस्पिटल्स, एमएनएम फाइनेंशियल्स, इन सभी काउंटर्स में शॉर्ट कवरिंग रही। और अपोलो हॉस्पिटल आज सुबह सुबह ट्रेड पैनल ने पिक भी किया था। शॉर्ट बिल्डअप एचसीएल टेक्नोलॉजीज में, टीसीएस, इन्फो एज, पैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, एबर्ट इंडिया में, और जो माफी चाहूंगा लास्ट जो यहाँ पे स्लाइड है, दैट्स इन्फोसिस, लॉन्ग अनवाइंडिंग, प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट हुए, विप्रो, कोफोज, एलटीआई, माइंडट्रियर, पर्सिस्टेंस सिस्टम, यानी आज का सबसे पेनफुल सेशन में इस सेशन में कहीं पर रहा तो वो था आईटी। निफ्टी 22,071 पे, तो अगर आप इन टर्म्स ऑफ एवरेजेस देखें तो ये एक बार फिर से क्लोज शायद तैयारी करता हुआ, आई मीन 20 डे मार्क के नीचे। हर्षदा, ओवर टू यू। हम वीरू गहरी सांसें ले रहे हैं, हो गया वीरू, बस वीकेंड आ गया, 3 दिन आराम करिएगा। मिड कैप्स पर एक बार नजर डाल लेते हैं, 400 पॉइंट की बढ़त पर, अच्छा नहीं 300 पॉइंट की बढ़त पर, मेरे को 0.99 लगे थे, एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है। कुल मिलाकर एक जोरदार सेशन और जोरदार रिटर्न्स खिलाड़ी नंबर 1 में इस हफ्ते बने हैं। मुकाबला रूपक, प्रशांत और ओम मेहरा के बीच था, और रूपक और प्रशांत एकदम हेड टू हेड, जो आप कहते हैं ना कांटे की टक्कर, वही देखने को मिली, और बाय अ विस्कर आप कह सकते हैं रूपक ने बाजी मारी है। तो 23.23% के रिटर्न्स रूपक के, और प्रशांत सावन 23.09% के रिटर्न। जाहिर तौर पर रूपक आगे हैं, आगे रहे हैं इनफैक्ट ज़्यादातर समय इस हफ्ते, तो ये बने हैं इस हफ्ते के खिलाड़ी नंबर 1। कॉन्ग्रेचुलेशंस रूपक, एक बहुत ही बढ़िया प्ले। बताइए अगला हफ्ता, छोटा हफ्ता ही सही, लेकिन ये मोमेंटम बरकरार रहेगा या नहीं? जी मेरे ख्याल से मोमेंटम तो बरकरार रहना चाहिए जब तक 21,840 के ऊपर है, बट मेरे ख्याल से पोजीशन बनाना चाहिए, नया हफ्ते में पोजीशन बनाना चाहिए, पोजीशन कैरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि निफ्टी जहाँ पे क्लोज दे रहा है वहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 22,100 के ऊपर, फ्रेश बाइंग आएगा उसके ऊपर ही बाइंग करना चाहिए, और बैंक निफ्टी का सपोर्ट मिलेगा लेकिन 47,000 के ऊपर, और फोकस रहना चाहिए मीडियम स्मॉल कैप्स में। जैसे कि मैं बता रहा था शो के दौरान कि मीडियम स्मॉल कैप ऑलरेडी आउट परफॉर्म करना चालू कर दिया हेडलाइन इंडाइसेस को। कि पुलबैक जो आया है आपको लग रहा है आप तेजी और देखेंगे, कौन सा ट्रेड लेकिन कैरी करने के फेवर में आप रूपक, आपके आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स एक बार फिर स्क्रीन पर लेकर आएंगे प्रोड्यूसर साहब, और सीजी पावर, शाले होटल्स, ये 7-8% रिटर्न कमा कर गए, रेनबो मेडिकल में 4.5-5% के रिटर्न आपके बने हैं, दिग्गजों में ऑफकोर्स टाटा स्टील आया, सेल साइड पर PFC था, तो इनमें से कोई ट्रेड जो आपको लग रहा है अगले हफ्ते भी जमेगा? जी मेरे ख्याल से BHEL होल्ड करना चाहिए, और अगले हफ्ते में ये अच्छा रिटर्न दिखा सकता है क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग पुलबैक दे रहा है कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के बाद, मेरे ख्याल से मोमेंटम रहेगा, 263 तक जा सकता है मेरी शॉर्ट टर्म में। तो भेल में एक इंटरेस्टिंग मूव, तो सरकारी कंपनियों में एक अच्छा खासा पुलबैक देखने को जरूर मिला था। थैंक यू रूपक इस हफ्ते के लिए, एंड गुड लक, जब आपसे ऑफ कोर्स अगले मुकाबले में मुलाकात होगी। तो एक बहुत ही बढ़िया प्ले देखा गया, और इनफैक्ट प्रशांत ने भी बहुत ही सॉलिड परफॉर्मेंस इस हफ्ते दिखाई है। ओवर द वीक एक बार देख लें सबसे बढ़िया रिटर्न क्या बना, मारुति क्लोजिंग पर आएंगे, लेकिन ओवर द वीक जो अगले हफ्ते काम करेंगे या नहीं करेंगे उसकी बातचीत में कर रही हूँ। तो ओवर द वीक मारुति, बजाज ऑटो, टाटा स्टील और आयशर, ये स्टॉक्स थे जो आउट परफॉर्म कर रहे थे। हमने हीरो का कॉल लिया, मारुति डिस्कस किया, लेकिन बजाज ऑटो, आशीष क्या ये जमेगा ट्रेड आगे? जी अर्षदा मैम, इनफैक्ट पूरे बजाज ग्रुप में बहुत अच्छी बाइंग रही है, इसमें बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस और फिनसर्व में भी आज हम देख रहे हैं कि थोड़ी बाइंग इंटरेस्ट बन रही है, और जिस हिसाब से बजाज ऑटो का स्टार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ काफी इंप्रेसिव है, लग रहा है यहाँ से फ्रेश लॉन्ग भी लिया जा सकता है और अच्छा मोमेंटम जो है वो 9,200 तक के लेवल्स दिखा सकता है। खरीदारी की सलाह रहेगी जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है वो 8,750 का एक एक्सेल मेंटेन करें। एक इंटरेस्टिंग ट्रेड साबित होता हुआ दिखाई देगा, ऐसा ही इनफैक्ट मैं देख रही हूँ वीकली सबसे ज्यादा क्या पिटा है, इन्फी, टीसीएस, विप्रो, वहां पर तो कारण है। टाटा कंज्यूमर में करेक्शन देखने को मिला, कविता जी अगले हफ्ते कुछ पुलबैक या उम्मीद करें या फिर ये टेक्निकली अभी थोड़े से वीकर ग्राउंड में फिसल गया है?
एग्जैक्टली टाटा कंज्यूमर अपने 50 EMA के नीचे अभी ट्रेड कर रहा है, ऑल्दो ओवरसोल्ड टेरिटरी में जा रहा है, बट एज ऑफ नाउ मुझे नहीं लगता है पोजिशनिंग करनी चाहिए। अगले हफ्ते में अगर कुछ स्ट्रेंथ दिखाता है तो विल लुक आफ्टर। जी हम चलिए आपकी स्क्रीन पे अब हमें हम बढ़ रहे हैं क्लोजिंग की तरफ, थोड़ा से स्टैट्स और स्कैन कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे बड़ी वॉल पे। इन द स्टावर टॉप गेनर ऑफ द डे कैपिटल गुड्स में कमिंस इंडिया, ये सेशन जो है वो कमिंस को बिलोंग करता है। कमिंस एक बार आपकी स्क्रीन पे आएगा और मतलब टिक बाई टिक चार्ट देखिए, जहाँ एक तरफ थोड़े दूसरे मतलब जो काउंटर्स थे कैपिटल गुड्स के उनका मोमेंटम सिंक हो गया, इसने अपने मोमेंटम को अंतिम दौर तक कायम रखा। इट्स 2943 ऑल टाइम हाई। उसके बाद आज एक बहुत इम्प्रेसिव पारी खेली हीरो मोटर कॉर्प ने, मारुति सुजुकी ने, लॉरस लैब बड़ी अच्छी रिकवरी फ्रॉम आई मीन लोअर लेवल्स, ट्रैजेक्टरी थी क्रिप्टो हिडिमा की जहाँ से इसने रिकवरी ली, और एक और काउंटर जो कि आज के लिए बड़ा पेनफुल सेशन रहा दैट्स विप्रो और 487 बिलो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। हर्षदा ओवर टू यू। शुक्रिया वीरू, एंड नो गुड लक रिक्वायर्ड आज के लिए, एक बहुत ही जोरदार लक पूरी तरह से बदला है तेजी की तरफ, हरे रंग पर आज हम क्लोज और इस हफ्ते की क्लोज देखते हुए नजर आएंगे। तो निफ्टी आपके सामने है, करीब 77 अंकों का इजाफा। मिड कैप में आप देखिएगा 300 अंकों की बढ़त पर क्लोज आता हुआ दिखाई दिया है। निफ्टी बैंक 170 पॉइंट ऊपर जाकर क्लोज दिखा रहा है, तो एक जोरदार क्लोज। बारिंग आईटी जहां पर थोड़ी सी गाड़ी डीरेल हुई है, आज 2% का करेक्शन देखने को मिला, बाकी सब चंगा है। सेक्टोरल स्थिति बता दीजिए, क्योंकि अक्रॉस द बोर्ड कल भी आपको याद होगा सभी सेक्टोरल इंडाइसेस तेजी में थे, आज बारिंग आईटी आई थिंक बाकी पूरा पॉकेट भी तेजी में ही रहा है। ये देखिए सिर्फ आईटी 2% नीचे। आउट परफॉर्मेंस कहाँ पर आया? आउट परफॉर्मेंस आया है आपका कैपिटल गुड्स में, रियल एस्टेट में, फार्मा कंपनियों में, सरकारी बैंकों का भी योगदान, और मेटल्स में भी थोड़ी सी चमक रही। FMCG इंडेक्स 0.5% से ज़्यादा के गेंस कमाने में कामयाब। चलिए एक दो ट्रेड्स आपको दिखा देते हैं जहां पर सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड तौर पर तेज़ी या फिर मंदी की पोजीशंस बनी हैं। एक तो लेकर आइए प्लीज़ मारुति के शेयर को। मारुति ऑल टाइम हाईस पर 12,300 के ऊपर का क्लोज दिखाने में कामयाब है, तो यहां पर एक अच्छा मोमेंटम। हीरो मोटो कॉर्प एक और तेज़ी वाला कैंडिडेट, आज 3.5% की तेज़ी वहाँ रही। मिड कैप साइड पर इंडस टावर 10% के गेंस पर जाकर टिक रहा है, तो ये भी एक जोरदार तेजी वाला स्टॉक रहा। लॉरस लैब में थोड़ी बहुत एक्शन, UPL में थोड़ा बहुत एक्शन देखने को मिला, लेकिन मंदी की साइड इन्फी में बिकवाली, विप्रो में बिकवाली, TCS में बिकवाली, पूरा का पूरा IT पैक खराब, एक्सेंचो का की कमेंट्री, गाइडेंस कट का खामियाजा भुगतता हुआ, यहाँ पर हमने देखा एक अच्छा खासा दबाव बनता दिखाई दिया। कुछ और ट्रेड्स जो थोड़े बहुत मंजे हैं चले हैं, अपोलो हॉस्पिटल्स में एक पुलबैक आता हुआ, और UPL को भूल नहीं सकते, क्योंकि UPL, SRF ये कुछ स्टॉक्स थे जिनका जिक्र हम कल दोपहर भी कर रहे थे और आज भी अच्छी खासी तेजी बनती दिखाई दी। हाउएवर SRF थोड़ा सा नेगेटिव साइड पर जाकर टिका है, तो अपने गेंस को होल्ड नहीं कर पाया ये स्टॉक। ये कुछ स्टॉक्स थे जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन रहा। क्लोजिंग में सिर्फ 4 सेकंड बाकी है, तो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा कितनी तेजी, कितनी मंदी में मार्केट जाकर टिका है। मुनाफा वसूली लार्जली पूरी लाइन नीचे की आईटी कंपनियों के नाम है, और बाकी सब तेजी में, हीरो, मारुति, सनफार्मा, UPL जैसे स्टॉक्स। आज बैंकों में अगर आप ध्यान दें, एक्सिस और HDFC बैंक थोड़े से फीके रहे, कोटक ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिखाया, ICICI बैंक भी ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया, हल्की बढ़त 0.5% तक की बढ़त देखने को मिली। ये है आज की क्लोज। वीकली इनफैक्ट स्टॉक्स हमने कुछ मेंशन कर दिए हैं, तो वो वाले भी दिखा दीजिएगा प्लीज़ डायरेक्टर साहब, वीकली परफॉर्मर्स और अंडर परफॉर्मर्स। परफॉर्मर्स में तो ऑफकोर्स मारुति, बजाज ऑटो, टाटा स्टील, आयशा, अपोलो हॉस्पिटल्स जैसे काउंटर्स हैं। अंडर परफॉर्मर्स में इन्फी, TCS, टाटा कंज्यूमर, और ऑफकोर्स आपको दिखाई देंगे विप्रो जैसे स्टॉक्स जहां पर बिकवाली का दबाव सबसे ज़्यादा रहा। HUL भी थोड़ा सा मंदी की तरफ ही रहा है आज इस हफ्ते रहा। चलिए सीधा सौदा का अपडेट अब आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। आशीष और नीरज के बीच का मुकाबला, रिटर्न्स की स्थिति क्या बनी? नीरज ने इरेडा, प्रेस्टीज, अंबर तेजी की तरफ रखे, कोफोर्ज मंदी की तरफ था, तो 2.5% वो नीचे। आशीष के आउट परफॉर्मिंग काउंटर्स में सारदा एनर्जी, PCBL, ग्रावर एंड व्हील, और मंदी में इंफोसिस। जी हाँ, तो ये हफ्ता भी बीत गया और अगला हफ्ता काफी छोटा है, एक दिन होली का है सोमवार का, पर अगर आप चार्ट्स पे देखें ना
बड़ा खूबसूरत चार्ट है वीकली चार्ट ये निफ्टी का। ये जो घटना घटित हुई है वीकली चार्ट्स पे, मतलब हम गए 10 वीक के नीचे, ये हुआ है अक्टूबर 2023 के बाद हुआ सिर्फ, लेकिन हमने रीगेन कर लिया 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को। तो हमने वो जो सेंसिटिविटी होती है ना किसी वीकली चार्ट की, उसको मेंटेन कराया हर्षदा। गुड, दैट्स गुड, बट ये थोड़ा सा अच्छा क्लोज होता तो डेली चार्ट्स और अच्छे होते। खैर, जैसा था सो था। अब आपसे होगी मंगलवार को मुलाकात होली के बाद। ईश्वर करे ये होली आपकी इस बार की सबसे बेहतरीन होली हो, रंग बरसे और पूरा परिवार आपका खुश रहे और ईश्वर आपकी ये अच्छी होली मनाए। हर्षदा जी, हाँ वीरू, आपको और हमारे सभी दर्शकों को, हमारी टीम को होली की ढेरों शुभकामनाएं। लेंगे आप सभी से इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा सीबीसी आवाज पर।